पहले जी के सदा सबसे नंबर बाबा जी बलन أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين الصلاة اللهم صل على محمد आइमा अहले बैत की फिक्री और सियासी ज़िंदगी के बाद में की जाने वाली गुफ्तगू का आज आठवां सिलसिला कि जिसमें हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कुछ उन पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे कि जो कि उनकी फिक्री और सियासी तर्ज़ अमल को रिफ्लेक्ट करते हैं। इमाम की ज़िंदगी पर नज़र डालने से पहले हमें दो तीन चीज़ों का जो है वो अंदाज़ा होना चाहिए, वो कि वो लोग जो कि शुरू से ही इन दुरूस का हिस्सा रहे हैं वो ये बातें बारहा सुन चुके और वो अच्छी तरह से याद हो गई होंगी, लेकिन बहुत से मैं कुछ नए चेहरे देख रहा हूँ कि जिनको मैं बताना ज़रूर समझता हूँ। इमाम और इमामत, इमाम का कोई काम करना, इमाम की कोई फिक्री या कोई स्ट्रेटजी और इमामत मतलब इमामत का फरीजा, हर इमाम अपने अपने दौर के अंदर वो काम अंजाम देता है कि जो कि उस वक्त की बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन होती है, बेस्ट पॉसिबल जो जो राह होती है उसको अडॉप्ट किया जाता है। हम देखते हैं कि हमारे आइमा कभी तलवार उठाते हैं, कभी सुलह करते हैं, कभी कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त करते हैं, कभी दुआओं में मशगूल हैं, कभी दर्स और तदरीस का सिलसिला है, कभी वली अहदी का सिलसिला है, कभी हुकूमत का हिस्सा कह लीजिए कि हुकूमत में आ जाते हैं, कभी हुकूमत से बाहर हो जाते हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये कोई तादाद शख्सियात के मालिक हजरात हैं, लेकिन अगर हम फिक्र इमामत को देखें, अगर हम मकसद को देखें, तो मकसद सबका एक हुआ करता है और वो क्या है, वो है शरीयत मोहम्मदी की मुहाफ़ज़त, सुन्नत नबवी का अहया और मुसलमानों की तरबियत, खुसूसन वो हजरात के जो कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से मजबूत हैं, उनकी फिक्री और उनकी नज़रियाती तरबियत। हम जिन बातों का अहाता करेंगे वो आइमा की उन काविशों से मरबूत हैं कि जो कि विलायत तकवीनी से रिलेटेड हैं। उम्मीद रखता हूँ कि विलायत तकवीनी और विलायत तशरीही से आप बखूबी आगाह होंगे, जो नहीं हैं उनके लिए बता देता हूँ कि विलायत तकवीनी मतलब वो हुकूक या वो पावर्स के लिए कि जो कि मिनजाने खुदा आइमा को हासिल हैं, जिसे हम कहेंगे हक के तसरुफ कायनात के ऊपर, जिसमें आप देखते हैं कि अक्सर मौजज़ात और करामात और के इमाम जो है वो काम लेते। दूसरा विलायत है वो है विलायत तशरीही, यानी कि मखलूक के ऊपर यहाँ उनका हक तसरुफ, यानी कि हर मामले में हम उनको सामने रखते हैं, शरीयत यानी कि वो एज ए शार वो जो हुक्म दें उसको उसका मानना हर शख्स के ऊपर वाजिब, और इस माशरे में रहते हुए ज़िंदगी गुजारना, उन तमाम कॉन्स्ट्रेंट्स को अडॉप्ट करके जो आपको और मुझे दरपेश हैं, उसी माहौल में रहना, ये जो पोर्शन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही वो पोर्शन है कि जो कि आपके और मेरे लिए काबिल तासीर है। आप और मैं अगर चाहें कि हम काबिल पैदा हो जाएं, हम जो हैं वो तेरा रजब को पैदा हो जाएं, तो ये चीज़ मेरे लिए काबिल
तारफी नहीं है, मैं इसकी पैरवी नहीं कर सकता हूँ, आप समझ रहे मेरी बात। लेकिन जो उनका विलायत तकवीनी वाला पहलू है, जिस तरीके से वो उस माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिस तरह से वो अपने मसाइल को हल किया करते थे और दूसरे अपने भाइयों के मसाइल को हल किया करते थे, वो पहलू मेरे लिए काबिल तबा है, जिसे हम कहेंगे विलायत तशरीही का जो पहलू है। तो बहरहाल हम अपनी गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं समझा सका कि हर इमाम के जहन में जो मकसद होता है वो वही होता है कि शरीयत मोहम्मदी की मुहाफ़िज़त करना है, दीन को आगे बढ़ाना है, दीन को सरबुलंद करना है, और वो नन्ही सी कुंपल जो रसूल अल्लाह ने जब इस्लामी मुआशरा कायम किया और एक हुकूमत बनाई, उसको जिन खतरात का सामना है उन खतरात से उस पौधे को बचाना है और उसकी नशोनुमा करनी है और उसको तनाव और दरख्त बनाना है। ये हर इमाम की जिम्मेदारियों में से एक अहम तरीन जिम्मेदारी यही रही है। फिर हम देखते हैं कि हम यूँ देखते हैं कि आइमा अलैहिस्सलाम को ये काम अंजाम देने के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट बनी वो हाकिम वक्त और उनकी मशीनरी, इसलिए कि हाकिम वक्त ये देखता था कि उसकी हुकूमत के पैरेलल, उसकी हुकूमत के साथ एक और हुकूमत चल रही है कि जिसकी तरफ लोग मायल हैं, लोग जाते हैं और उसके अपने मसाइल हल कराते हैं, और हुकूमत एक तरह से अपने आप को रुख्सत से समझती थी। और फिर खुसूसन इमाम के दौर के अंदर हालात का इस हद तक बदल जाना कि लोग जो हैं वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएं, और कुछ लोग ये सोच लें कि ये जो हुकूमत है वो जायज़ नहीं है, वो नाजायज़ है, इस हद तक लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था। जब इतनी बड़ी तादाद ये सोच ले कि हुकूमत इस वक्त जो है वो जायज़ नहीं है, इनका हक नहीं है हुकूमत का करना, तो किसी वक्त भी इंकलाब की सूरत पैदा हो सकती है। तो इस चीज़ को कुचलने के लिए हुकूमत वक्त ने जो जो काम वो कर सकती थी उसने किया, चाहे वो बनू उमैया की सूरत में हो या बनू अब्बास की सूरत में। अब इन दोनों हुकूमतों का हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि हम बहुत डिटेल में जाएं बनू उमैया के पूरे खतोखाल वाजे करें, और बनू उमैया के इन नक्शल हम ये कह सकते हैं कि दोनों का मकसद यकीनन बस हुकूमत करना था, ठीक है, बादशाहत की तरह से, और आइमा मुखालफी में दोनों एक ही कैटेगरी में आप कैटेगराइज कर सकते हैं, दोनों की कैटेगरीज भी कमोबेश एक ही थी, जुल्म और जबर और सबदाज प्रोपेगेंडा, इन तमाम चीज़ों को अगर हम अपने सामने रखें तो हम ये देखते हैं कि 148 हिजरी में, यानी कि जब इमाम की जो है विलादत की जो सन है, उस वक्त उस दौर के अंदर उस दौर में क्या हालात हैं, उस दौर के अंदर अभी ताज़ा जो है वो एक हुकूमत की ट्रांजेक्शन हुई है, बनू उमैया की हुकूमत ख़त्म हुई है और बनू अब्बास की हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिश हो रही है। बनू अब्बास अपना असर व रसूख जो है या अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कत्ल हारा बिगड़ी की सूरत में हो, चाहे वो रिश्वत दे के किसी को खरीदना सरदार हो खरीदना वो सूरत में हो, उनकी पूरी कोशिश है कि उनकी हुकूमत किसी तरीके से मुस्तहकम हो जाए। अच्छा, दरमियान में ये ट्रांजेक्शन पीरियड था, इसमें इतना वक्त मिल गया कि शी नज़रियात को, फिक्र को, के खदोखाल को वाज़े किया जा सके। उस दौर के अंदर एक और बात का मैं जो है वो इशारा करता चलूँ कि तकरीबन 100 साल तक हदीस के लिखने पर ऑफिशियली पाबंदी थी कि कोई शख्स हदीस ना लिखेगा ना कहीं पब्लिक में सुनाया करेगा। जैसे ही रसूल की का विसाल हुआ है उसके फौरन बाद से ये पाबंदी लग गई, और 99 हिजरी में उमर बिन अब्दुल अजीज जब खलीफा बने, उम्मी खलीफा आखिरी वक्तों के,
उन्होंने इसके ऊपर से पाबंदी जो है वो हटाई। गो के जाहिरन अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए हैं, लेकिन भारत उस पर कुछ तहफ़ुज़ात और उनकी अपनी शख्सियत पर और उनके जो अपने मामलात हैं उन पर हमारे कुछ तहफ़ुज़ात मौजूद हैं डेफिनेटली, क्योंकि तकरीबन 2-2.5 साल का था, क्योंकि 101 हिजरी में इनको जहर दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने जितने भी काम जो बनु उमैया के थे उनको रोल बैक करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और दो अहम कामों में, एक अहम काम तो जो मेंबरों से इमाम के ऊपर सब वो शितम होता था वो ख़त्म कराया, और बहुत ही एक ट्रिक के ज़रिए से, बहुत ही एक अच्छी तस्वीर के ज़रिए से, बाहर उसकी तफसील में जाने का टाइम नहीं, लेकिन यूँ है कि उन्होंने हदीस पे लिखने पे पाबंदी जो थी वो ख़त्म कर दी। अब जब हदीस लिखना शुरू किया लोगों ने, बोलना शुरू किया, वो लोग जो आइमा से मजबूत थे उन्होंने तो तशरीह आइमा से ले ली, ठीक है, लेकिन वो हजरात जो इन आइमा से दूर थे, जो जिनके लिए सुन्नत नबवी 11 हिजरी में ख़त्म हो गई थी, वो किसी बाद में तशरीह लेने के लिए किसके पास गए? तो कोई गाइड करने वाला सामने उनके लिहाज से, हमारे ब्रादरान के लिहाज से 11 हिजरी के बाद सुन्नत ख़त्म हो गई, लेकिन हम लोगों को इफ्तिखार हासिल है कि हमारा रबता ज़ाहिरन भी 255 हिजरी तक जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो फुकहा की सूरत में और नाइकिन की सूरत में और आज तक जो है वो उलमाए कराम की सूरत में हम तक वो सिलसिला मुनक़ते नहीं हुआ। तो जब हिदायत मुनक़ता हो गई हो जाहिर है, जब उनकी गाइडेंस भी ना हो रही हो, तो फिर नए नए फिक्र और नए नए नज़रियात जो हैं वो जन्म लेते हैं, और फिर हमने देखा भी है कि कई फिरके बन गए, कई कलामी फिरके बन गए। कलामी फिरके यानी कि वो फिरके, वो मसाइल, वो मकतब फिक्र जिसकी बुनियाद किस चीज़ पर हो, अकायद की बुनियाद के ऊपर, यानी कि अकायद के बाद में बहस करना, अकायद के बाद में कलाम करना, ये बात इस बात के लिए पाबंदी थी, मतलब आप और मैं बैठ कर कहीं ये डिस्कशन नहीं कर सकते थे कि खुदा वाहिद है तो क्यों है, अगर दो होते तो क्या होता, खुदा के असबात वजूद खुदा के ऊपर हम बात नहीं कर सकते थे, रसूलुल्लाह की रिसालत बात नहीं हो सकती। तो जब इन मसाइल पे बात होना शुरू हुई तो इस इल्म को इल्म कलाम का नाम ही दे दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब मसला यूँ है कि जब रसूल, जब तौहीद पर बात होगी, जब कलाम इरफान और ये जब इस पर हम डिस्कशन होगा, जब रसूलुल्लाह के ऊपर असबात खुदा के बाद जब हमें ज़रूरत महसूस होगी कि नबी की ज़रूरत है, हिदायत की ज़रूरत है, इसमत की बात होगी, तो फिर सवाल से सवाल निकलेगा, बात इमाम पे पहुंचेगी, आप गौर कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि बात इमाम पर पहुंचे, आपस में तकरार हो, तो इस बात को ही क्लोज कर दो कि नहीं, इस इल्म के ऊपर बात करना हराम है, यूँ है, ठीक है। ये फिक्र जो है वो उस दौर के अंदर नशोनुमा पाई, और यहाँ तक कि इब्न तैमिया का बाकायदा फतवा मौजूद है कि इसके ऊपर, अकायद के ऊपर आप जो है डिस्कशन या इल्म कलाम जो है वो हराम, कोई इल्म है इस पर आप बात नहीं कर सकते, बस आप मान लीजिए खुदा को, रसूल को मान लीजिए, आमनना व तदकना और बात खत्म। जबकि असल हकीकत क्या, हकीकत ये कि जिस कदर आपका अकीदा पुख्ता होगा, जितने शकुक व शुबहात जो जहनों में कहीं इधर उधर मौजूद हैं वो जब तक ख़त्म नहीं होंगे आपका अकीदा पुख्ता नहीं होगा, और जब तक अकीदा पुख्ता नहीं होगा आपकी मार्फत जो है वो बतदरीज इजाफा उसमें नहीं होगा, ठीक है। जन्नत में तो सब जाएंगे, लेकिन जन्नत में भी तो दर्जे हैं, जन्नत में दर्जे क्यों हैं, बकदर मार्फत जो जजा मिलती है वो भी बकदर मार्फत मिलती है, खुदा को सब मानते हैं, तो क्या है खुदा के आदिल के खिलाफ है किसी को कम देना किसी को ज़्यादा, ऐसा है? खुदा आदिल है, खुदा आदिल है, खुदा कहता है कुरान करीम में आया है मफहूम है कि भाई हम कुफार के अमल को मट्टी में मिला देते हैं, क्यों, सवाल, खुदा आदिल है, मोमिन कोई अमल करता है तो उस पर जजा मिलती है, और काफिर कोई अच्छा काम करता है तो मट्टी में मिल जाता है। इस तरह की कई आयात हैं कि जो कि हमें ज़रा सोचने में मजबूर कर देंगी कि ऐसा क्यों है, पारा लिख की तशरीह में अपने गुज़श्ता दुरुस्त में कर चुका, मतलब कि जो काफिर को जो मिलता है वो सिला मिलता है, मोमिन को जो मिला करता है वो जजा मिलती है, सिला दुनिया में मिलता है, जजा आखिरत में मिलती है, सिला
टेम्परेरी होता है, जजा अवधि होती है, हमेशा के लिए होती है। जो दुनिया में मिलता है वो क्या होता है, दुनिया निकला ही दना से है, छोटा हकीर, खत्म हो जाने वाला, यानी मट्टी में मिल जाने वाला। तो जो काफिर को मिलता है वो मट्टी में मिल जाता है, और जो मोमिन को मिलता है वो बाकी रहता है, वो जजा होती है। फर्क समझ में आया? तो अब यहाँ से समझ में आया कि खुदा जो है वो देता सबको है, लेकिन क्या कीजिए कि काफिर ने मांगी ही दुनिया है, काफिर ने वहाँ के लिए कुछ रखा ही नहीं है तो उसको यहाँ मिल जाता है, और जो मोमिन है जो उसको अबदी नेमतें मिल रही हैं उसको वहाँ मिलता है तो वो अबदी रह जाता है। तो आदिल है ये, आपका और मेरा अपना दर्द है कि कौन कितना लेता है, कौन कितनी तौफीक जो है वो एडॉप्ट कर सकता है। बारिश होती है बंजर जमीन से भी होती है, जरसे से भी होती है, सब जरसे से होता है, बारिश सब पर होती है। तो बहरहाल ये तंजीदी गुफ्तगू थी जो मैंने आपके सामने की, इस पर उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि इमामत और इमाम, इमामत का कुछ गोल्स है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, वो कर वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये हर दौर का इमाम उस वक्त डिसीजन लेता है, चाहे वो हुकूमत लेकर हो, हुकूमत देकर हो, सुलह करके हो, जंग करके हो, ठीक है, दर्स व तदरीस के जरिए हो, या दुआओं के सिलसिले से हो। एक बार जरूर पढ़ दीजिए यहाँ आपकी और मेरी आंखें हैं इमाम कि जिनकी विलादत कैसे हैं। कुछ किताबों में कुछ जगहों पे 148 हिजरी लिखा, कुछ 151 की बात करते हैं, और कुछ जगहों पे 153 हिजरी की भी हमें तारीख जो है वो मौसूल हुई है। इसी तरह से शहादत की भी दो सन हैं, एक 202 हिजरी और 203 हिजरी। बहरहाल एक तवील बहस है इस किताब के अंदर आपकी तारीख पैदाइश और सन के मामले में कि किस ईयर में आपकी जो है वो विलादत हुई है। हम अगर एवरेज 151 को भी मान लें 148 और 153 के दरमियान में आपकी जो है वो विलादत का साल करार पाया है। आपकी शहादत जो है 202 और 203 हिजरी में, इस माह सफ़र में, जमाल रबर में और अदर जिलाज में मुख्तलिफ तवारीख आई हैं। सफ़र की ज़्यादा मोतबर तारीख है, ज़्यादा तर जमहूर उलमा जिनके ऊपर जो है वो एग्री हैं। 17 सफ़र जिसे हम यहाँ पर भी बड़े सदी पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो इसी तारीख को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बहरहाल वालदा का नाम आपका खीरान था, आप नौबा की रहने वाली थी, नजमा, उम्मुल बनीन, आपके कुछ और अलकाबात और नाम हैं, अरबा आपका नाम है, आपका एक लकब शकरा है। 201 हिजरी तक इमाम जो हैं वो मदीना में रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 203 हिजरी आपकी शहादत की तारीख है, ये सिन हमें ज़्यादा कभी मालूम होता है कि 203 हिजरी के अंदर आपकी शहादत ज़्यादा कभी है, क्योंकि हमें 201 हिजरी तक इमाम का मदीने में होना जो है वो कुछ जगहों से साबित है, ठीक है। और तकरीबन आपकी शहादत और आपकी मदीना से रवानगी के दरमियान का जो अरसा है वो तकरीबन 2 साल का है, ठीक है। यहाँ पर एक और सवाल अभी से आपके जहनों में उभार रहा हूँ और बाद में उसका जवाब भी दूंगा कि इमाम की जो ज़िंदगी, इमाम की जो एज है वो तकरीबन कुल 54 ईयर्स की निकलेगी। अगर मैं एक एवरेज ईयर ले लूँ यहाँ से और आपकी मैं एज कैलकुलेट करूँ तो तकरीबन कोई 54 ईयर्स। तो 54 ईयर्स के अंदर जो हम इमाम को जानते हैं, जो इमाम की हम बात करते हैं, तो फ़ौरन मामून का तस्कर आता है, फ़ौरन अली अदी का तस्कर आता है, और फ़ौरन खुराखान के मामला आते हैं, और फिर शहादत पे आपकी वो डिस्कशन ख़त्म हो जाता है। ये तमाम का तमाम अरसा 2 साल के ऊपर मुश्तमिल है। इमाम की 52 साल की ज़िंदगी, उसमें से चलें ज़ाहिरन बचपना निकाल दीजिए, 10 साल निकाल दीजिए, ठीक है, 12-15 साल निकाल दीजिए, तो अब जो इमाम की ज़िंदगी बच रही है वो 30-35 साल, ये इमाम की ज़िंदगी कहाँ है? हम 2 साल जानते हैं, 35 साल नहीं जानते इमाम की ज़िंदगी की। इसको ये सोचने वाली बात है। प्लस फिर हम कुछ और चीज़ों को जब डिस्कशन अभी करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि इन 35 साल में इमाम की स्ट्रेटजी क्या रही थी और इमाम की जो तरजीहात थी वो क्या थी, ठीक है।
बज़ाहिर मामून ने इमाम को अपने यहाँ बुलाया, वली अहदी की पेशकश की, इमाम के ऊपर उसने जो है वो इस तरह से नज़र रखने के लिए बुलाया ना कि क्या कर रहे हैं। मैं भी बिल्कुल ये समझ कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम तस्वीर में जाएंगे। लेकिन और हम देखते हैं कि दरबार में आने के बाद ज़ाहिरन क्योंकि दरबार जो है वो एक बादशाह का दरबार है, वो तो बादशाह खिलाफत का तो टैग था, लेकिन असल जिस तरह जो तर्ज हुकूमत था वो तो बादशाही था। मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा मौजूद हैं उस मैसेज के अंदर, मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए हुए हैं, तो वहाँ से इमाम का मैसेज जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आज के दौर में कोई लोकल मीडिया हो और कोई इंटरनेशनल मीडिया कवरेज दे रहा हो, तो इमाम को तो इंटरनेशनल कवरेज मिल रही। इमाम का पैगाम जो है वो ज़ाहिर पूरी दुनिया में जा रहा। इमाम जो है वो बेहतर तरीके से ज़ाहिर दीन का दिफा कर रहे हैं, इमाम जो है वो अकायद की तस्दीक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इमाम आना नहीं चाहते, इमाम मदीना नहीं छोड़ना चाह रहे, इमाम खुरासान आने के लिए मुसलसल इनकार किए जा रहे हैं इन फवायद के बावजूद, तो फिर इमाम क्यों नहीं आ रहे सवाल? इसका मतलब कि इससे कोई ज़्यादा अहम काम है जो मदीना में हो रहा है उसको इमाम ही छोड़ना चाह रहा है। अलमिया थोड़ा सा ये है कि हमें कुतुब में बहुत ज़्यादा तफसीर जो है इमाम की नहीं मिली कि उस 35 साल में इमाम ने कहाँ कहाँ क्या किया। मैंने बहुत ढूंढा आज से जो मैंने जो थोड़ा कुछ काम किया था वो तकरीबन कोई अब तो साल होने को आ रहा है, तो मुझे कोई खास तफसीर नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन फिर अचानक से एक दिन एक क्लू मिला, एक ऐसा खजाना मिला कि जहाँ से सब पता लग गया कि नहीं क्या हो रहा था वहाँ पर और क्यों नहीं आ रहे थे और क्या वजह थी, उसी तरफ मैं आपके इशारा करूँगा। बाहर तो 201 हिजरी तक इमाम मदीना में थे, उसी साल फिर आप मर्व पहुँचे। मर्व ईरान का एक सरहदी इलाका है, समझे इराक और ईरान के दरमियान में कोई एक इलाका है जिसे आप अभी भी मौजूद है। मर्व मी रे वा, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उस दौर के अंदर इमाम की स्टिल जो सियासी ज़िंदगी है वो तो बिल्कुल ही पर्दे में है मदीना के दौर के अंदर। मां सिवाय इसके कि लोगों की बड़ी तादाद है जो आपके गिर्द जमा है, मदीना के गवर्नर जो हुक्म सुनाते हैं लोग उसको नहीं मानते और इमाम की तरफ पलटते हैं और उनसे हुक्म लेते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। तो जिसे हम कहते हैं ना बेताज बादशाह जी से, तो वो अली हैसियत इमाम की वहाँ पर प्रैक्टिकली इस्टेब्लिश हो चुकी है और कई खुतूत गवर्नर ने भी लिखे कि यहाँ पे तुम्हारी हुकूमत समझो नाम की है मामून को, असलन तो लोग हुकुम इमाम से ही लेते हैं। फिर उस दौर के अंदर कुछ अलवी तहरीकें हैं जो चल रही हैं। अलवी तहरीकें कौन सी तहरीकें हैं? वो लोग वो हजरात के जिन्होंने तलवार उठाई है, जिसमें आप जैदिया हज़रत जैद को ले लीजिए, हज़रत मोहम्मद को ले लीजिए, हज़रत मोहम्मद बिन जाफर को, हज़रत हुसैन बिन अली का तस्करा हमने लास्ट सेशन में किया और बहुत सारे हज़रत इब्राहिम का तस्करा है, बहुत सारे इन्होंने कुछ हज़रत अहले बैत में से भी इमामज़ादे उनका हमें तस्करा मिलता है कि जिन्होंने तलवार उठाई है और जिन्होंने जिहाद किया है। ये तवील बहस है कि इमाम ने किसका किस हद तक साथ दिया है कि नहीं दिया है, उसको पसंद किया कि नहीं पसंद किया, ये एक अलग बहस है। बहरहाल हालात में कुछ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि कुछ अलवी तहरीकें हैं जो अब्बासी हुकूमत के खिलाफ चल रही हैं। ये वो अलवी तहरीकें हैं कि जो कि एक तरह से जिससे फ़ायदा खुद अब्बासी हुकूमत उठा चुकी है, किस सूरत में कि ये अलवी तहरीकें भी अब्बासी हुकूमत में नहीं चली हैं। ये अलवी तहरीकें जो हैं ये उम्मीदों के दौर के अंदर जो हैं वो सर उठा चुकी हैं अब, और जब ये इन्होंने जब जान पकड़ ली काफ़ी और एक वक्त आया उम्मीदों का जो है वो तख्ता उल्टा और अब वक्त आया क्योंकि के आले मोहम्मद में से कोई शख्स हो और वो हुकूमत करे, तो फिर अब्बासी अपने आप को आले मोहम्मद के तौर पर हुजूर से रिश्ता जोड़कर और फिर आकर मसनद खिलाफत पर बैठ गए कि हम ही हैं वो लोग जो कि रसूलुल्लाह से जो है वो मरबूत हैं और हमारा हक है हुकूमत। ठीक है, तो एक तरह से अलवियों को उन्होंने बाईपास कर दिया। फिर उनको पता लगा कि अरे हमारे साथ तो धोखा हो गया, फिर वो तहरीके जो है उनका रुख जो है वो फिर अब्बासियों की तरफ मुड़ गया और फिर जहाँ जहाँ भी इनको मौका मिलता और ये वहाँ पे जो है जंग करते, शहीद भी होते, हुकूमत को भी नुकसान पहुँचाते, लेकिन
गवर्नमेंट वाज नॉट हैप्पी विद देम उस वक्त के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फुरूज हो रहा और आपके खिलाफ जो है वो जंग जदल हो रहा हो, तो एक डिस्टर्बेंस वाली कैफियत जो है वो मौजूद है, एक रेजिस्टेंस अब्बासियों को मिल रही है। तो एक रेजिस्टेंस हो गई अलवी तहरीक है, मैं अब्बासी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। दूसरी रेजिस्टेंस, क्योंकि इमाम तक आने से पहले मैं थोड़ा सा हालात का जो है वो सामने रख दूँ, एक रेजिस्टेंस अलवी तहरीक हो गई। अच्छा, अब हुकूमत इस्टेब्लिश करने के लिए और क्या मसाइल हैं? और दूसरे मसाइल हमें नज़र आते हैं कि हारून रशीद की बात कर रहा हूँ, रशीद तो है किताबों में, लेकिन हारून अब्बासी की बात कर रहा हूँ। हारून अब्बासी के आप बेहतर जानते हैं दो बेटे, ठीक है, एक मामून और एक अमीन। अमीन जो है वो जो है क्या नाम है हजरत आपकी जो है वो जुबैदा के बदन से थे, वो यानी कि मलका के बेटे थे, अब्बासी थे। मामून जो है वो एक कनीज़ादा था, ठीक है। तो अब्बासी जो बुजुर्ग थे, जो बड़े बड़े सरदार थे, वो अमीन को पसंद करते थे, मामून को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन खुद हारून जो था वो मामून को ज़्यादा पसंद करता था, अमीन को बेटा था, लेकिन हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो उसकी हुकूमत को ज़्यादा बेहतर तरीके से, जो अब्बासी हुकूमत को ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकता है, जो उसकी हिफाजत कर सकता है, वो हारून के नज़र में मामून था, न कि अमीन। बहरहाल लेकिन इसने किया ये कि अपनी ज़िंदगी ही के अंदर इनको दोनों अलग अलग रियासतें दे दी, एक मदीना और इस तरफ का जो एरिया है जहाँ, ये इसने अमीन को दे दिया और मामून को पहले ही खुरासान के अंदर इसने रजिया अलग कर दिया। बेसिकली देखा जाए तो उसने अपने तमाम उन अब्बासी बुजुर्ग और वो जो कबायल जो इसके साथ मौजूद थे उनका एक समझो कि उनकी मुखालिफत ना होने पाए ज़्यादा, उनसे ज़्यादा कोई इस मौजू पर वो ना हो, तो उसने मामून को एक तरह से स्क्रीन आउट कर दिया था और खुरासान की जो है वहाँ पे उसको एक गवर्नर कह लीजिए उस वक्त के हाकिम का बना दिया। गो के लोग खुश नहीं थे स्टिल जो अब्बासी थे। अच्छा, फिर मामून जब इसने अपनी हुकूमत को वहाँ पर हारून के जानू मर्जिन होने के बाद मामून ने अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए अमीन को जो है वो रास्ते से हटाया, और जब उसने अमीन को अपने भाई को मतलब अपने सौतेले भाई को उसने रास्ते से हटा के कतल करके इस एरिया पर भी अपनी हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिश की। अब इसके इस्तेमाल से जो अब्बासी कबायल थे, जो बुजुर्ग थे, वो तो पहले ही पसंद नहीं करते थे मामून को, चले जाएगा कि उस अमीन को भी कतल कर दिया उसने और फिर इस तरफ भी अपनी हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिश कर ली। तो यहाँ से उसको एक और रेजिस्टेंस मिली अब्बासियों ही में से, क्योंकि उसको एक नापसंदीदगी वाला जो चैप्टर था वो फिर से एक तो ताज़ा हो गया, और फिर उन्होंने कुछ मुसलहाना इकदाम तो नहीं किया लेकिन मामून के साथ नहीं थे वो। ये सिचुएशन भी मामून के लिए कोई बहुत ज़्यादा काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि किसी वक्त ही कोई इंकलाब बर्पा हो सकता था और कोई अब्बासी उठ खड़ा होता और अमीन के खून का बदला और अपनी फिर हुकूमत वो इस्टेब्लिश कर लेता और मामून के लिए मसाइल पैदा हो सकते थे। तो ये दूसरा मसला था जो उस वक्त चल रहा था, अलवी तहरीक और अब्बासियों की मुखालफत अमीन के कतल की वजह से और खुद उसकी अपनी शक्ति भी उसके चल रही। और तीसरा गिरोह ये वो लोग थे जो कि इमाम के गेट जा रहे, ठीक है, एक वो गिरोह जिसको आप शियाने अहले बैत कह लो कि जो कि इमाम आठवें इमाम के गेट जो है वो जमा है और आपसे मसाइल लेते हैं और एक एक स्ट्रेंथ जो है वो बिल्डअप हो रही है। तो इन तीनों से मामून को खतरा है। अब मामून को ऐसा क्या कदम उठाना है कि वो इन तीनों खतरात से जो है वो मुकाबला कर ले, सही ना। अब आपको बिल्कुल स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी मामून की भी और फिर इधर से इमाम की भी कि अब देखना ये है कि मामून क्या चाहता है और इमाम जो है वो इसका जवाब किस तरह से देते हैं, इमाम क्या स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाते हैं ऐसे माहौल के अंदर। बहरहाल उसी दौर के अंदर इमाम के मोहम्मद बिन जाफर की जो है वो एक तहरीक चली है और उसको कुचलने के लिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं फिर आगे चलता हूँ, उसको कुचलने के लिए मामून ने ईसा जलोदी एक बहुत ही समझे इब्ने ज़ियाद का पार्ट टू है उस दौर के अंदर,
उसको भेजा मदीना और उसने जो है उस तहरीक को कुचल दिया। बहुत जालिम लोग डरे हुए उससे, बहुत ही जालिम और बहुत ही वो शब्द है हजार बिन यूसुफ की शक्ल में उस तरह से दे लो, वही वही कैटेगरी। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब इमाम को उसने बाय फोर्स बुलाया है तो ईसा जलोदी को ही भेजा ताकि लोग उसको देख कर ही डर जाएं और कोई मुसलमाना इकदाम ना करें, क्योंकि वो देख चुके थे प्रीवियसली कि मदीना ने क्या कर चुका है। तो उसी शख्स को जो है वो भेजा कि इमाम को यूँ लेकर आओ। बारह, ये वो मसाइल थे जो कि मैं हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था कि मामून को अपनी हुकूमत से क्या खतरात मौजूद थे। अब पलट कर हम इमाम की तरफ लौटते हैं कि इमाम उस दौर में मौजूद हैं, इमाम को क्या सियासी मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं और कौन कौन सी मुश्किलात इमाम को जो है वो दरपेश हैं। उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मसला, जो परेशानी इमाम को लाहक हुई और वो ये कि गो के एक गिरोह है, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं है लेकिन बहरहाल मोतरजीन का एक गिरोह पैदा हुआ कि जिसने इमाम की इमामत की मुखालफत की। उसके पीछे हमें दो तीन वजूहत नज़र आती हैं जिनमें से एक सर फहरिस्त है और वो ये कि जैसे एक शख्स है जो कि इमाम ने मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का नायब था और आपकी बिहाफ पर कुछ खौम्स की रकम या कुछ अमवाल वसूल किया करता था, उनका नाम था हयान सर्राज। हयान सर्राज और इनके कुछ और लोग, इनका काम ये था कि ये कुछ खौम्स कह लीजिए उसको या वो माल जो कि हाथी इमाम होता है वो ये जमा किया करते थे। अब वो कहते हैं ना कि नीयत बदलते हुए देर नहीं लगती किसी की। जब इमाम की पूरी ज़िंदगी ऑलमोस्ट 14 साल की जो पीरियड है वो तो गुजर गया जेल में, ठीक है, जिनमें से आखिर के 4.5 साल तो कंटिन्यूस जेल है और शहादत के बाद ही आपकी रिहाई हुई। तो इस दौरान जो है ये साहब पैसे वगैरह वसूल किया करते थे, इनके पास कोई 30,000 दीनार जमा थे। अब हुआ यूँ कि मालूम हुआ कि इमाम की शहादत हो गई और फिर सामने आठवें इमाम की सूरत में जो है वो हुज्जत खुदा मौजूद, आठवें इमाम मौजूद हैं, ठीक है, और ये कैद नहीं है सामने, अभी हिसाब भी लेंगे 29,000 दीनार का, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी भी होगी। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ये साहब ये पैसे खा पी के ख़त्म कर चुके थे तो अब इन्होंने कहा कि बजाय कि मैं इनको हिसाब किताब दूँ इनकी इमामत के मुनकर हो जाओ। तो एक नया अकीदा इन्होंने ईजाद कर दिया और वो कहा कि भाई इमाम सातवें इमाम जो हैं वो तो जिंदा हैं, उनका इंतकाल नहीं हुआ, वो शहादत नहीं हुई और खुदा ने कैद में से ही कैद खाने ही से उनको उठा लिया और अब वो जिंदा हैं और हम जो हैं वो उनके नाज़िम, ठीक है। और ये जो आठवें इमाम, जो आठवें इमाम तो हम कह रहे हैं यानी ये जो साहब हैं बेटे हैं लेकिन ये इमाम नहीं है क्योंकि इमाम तो वही है जिंदा है। और लॉजिक क्या दी जो आवो नास को कि देखो हजरत ईसा अफजल हैं या तुम्हारे इमाम अफजल हैं, ठीक है, तो हुज्जत रसूल खुदा का नास उस सूरत में और इमामत मरतबे में, लोगों ने कहा नहीं हमारे इमाम अफजल हैं। कहते देखो जब खुदा ने ये गवारा ना किया कि हजरत ईसा को सूली दी जाए और उनको कह खाने से ही उठा लिया तो वो क्यों कर ये कहेगा कि तुम्हारे इमाम को इस आलम इस कसम पुरसी के अंदर जो है वो शहादत हो जाए, क्या वो चाहेगा इस तरह, तो उसको भी खुदा ने जो है ना इस तरह उठा लिया है। और वहाँ से फिर लोगों को समझ में आई बात, हाँ ये हो सकता है बिल्कुल वो जिंदा है, तो एक गुरु बन गया और उन्होंने जो है वो सामने इमाम का इनकार कर दिया कि नहीं ये इमाम जो मोतरजीन है जो एतराज़ किया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि दो जो फिरते नज़र आए वो एक था ततैया और एक था वापसिया। ततैया यानी कि वो लोग जो ये कहते थे कि नहीं सातवें इमाम की शहादत हो चुकी और अब ये आठवें इमाम जो है वो इमाम है, यानी कि उनकी इमामत ख़त्म हो गई इनकी इमामत शुरू हो गई, ये ततैया कहलाए। काफ तोए ऐन ये और ये ततैया। दूसरे लोग वाकफिया कहलाए, उन्होंने कहा कि नहीं
इमामत जो है वहीं रुकी हुई है, जैसे कहते हैं ना काफ से रुक जाना, कहते नहीं वो वहीं पर है, सातवें तक ही रुकी हुई है और वही अब महदीयत हो गई है, वो वही महदी है जिनका तस्करा होता है कि बस अब वो बाद में जरूर करेंगे, वो अब वही है। महदी का तस्करा, महदी की शख्सियत उस दौर में छुपी भी नहीं थी, डी छुपी तकरीबन मैं अर्ज कर चुका कि कोई 6-6.5 हज़ार हादीस एक इमाम के बाद में नकल हुई है, इमाम की शान में आई है, इमाम के बारे में आई है वो रिवायात और वो हादीस जिसमें इमाम का तस्करा है। तो इतनी बड़ी तादाद में कोई और टॉपिक नहीं है कि जिसके ऊपर हादीस आई हो। तो उन्होंने इस तरीके से एक तरह से डुअलिटी एक चक्कर दे दिया लोगों को ना कि नहीं भाई वो मौजूद नहीं इमाम और हम उनके नायब हैं स्टिल। तो और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये लोग जरा फलने फूलने भी लगे, ऑल दो के बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं है लेकिन एक तादाद मौजूद है। उसके बाद इस मौके का फ़ायदा उठाया कुछ और लोगों ने, ये तो एक फिरका बन के अलग हो गया। एक और फिरका हमें नज़र आ रहा है, ये इमाम के मसाइल बता रहा है, इमाम को जो मुश्किल हो रही है सामने। मोहम्मद बिन बशीर एक और शख्स है, इस शख्स ने क्या किया, इस शख्स ने एक ये गाली था, गुलू करता था, गुलू का मतलब जी जी इमाम को उनके रुतबे से बढ़ा देना, बिल्कुल अच्छी, मतलब कि इमाम को वो हैसियत देना कि जैसे जो खुदा की हैसियत है, खुदाई पहलू का हाईलाइट करना उनके ऊपर, ठीक है, या तकवीस का नज़रिया कि वो अख्तियार जो खुदाए अबुलजत को हैं उनका मुस्तहक करार दे देना कि नहीं ये इमाम का है, ठीक है बाहर मैं क्या कहूँ, आप तो मुझसे ज़्यादा सुनते रहते होंगे बाहर। तो इसने ममतूरा नामी एक फिरका बना डाला, मीम मी मी ओए वाव रे हे। अच्छा इसने ये जो फिरका बनाया, अब इसमें इसने ये नज़रियात डाले थे, उसमें इसने नज़रियात जो थे कि नहीं खुदा जो है वो हुलूल कर जाता है आइमा के अंदर, ठीक है, हुलूल का नज़रिया जो कि ईसाइयों का है हज़रत ईसा के बाप के अंदर कि खुदा इनके अंदर हुलूल कर गया था, ठीक है, वो आ जाता है। अच्छा इसके ऊपर हमने कुछ बात की थी सिफात और ज़ात की, जैसे हम कहते हैं कि खुदा की जो ज़ात है और जो सिफत है सिफात हैं वो उससे जुदा नहीं है, जो सिफत है वही ज़ात है, जो ज़ात है वही सिफत है, ठीक है, वही वही ज़ात जो है वही हई है, वही क़य्यूम है, वही मुद्रक है, यूँ नहीं है कि सिफत अलग है और ज़ात अलग है, ये बात वाज़ह है। तो अब अगर वो सिफत किसी शख्स में से ज़ाहिर हो रही हो, यानी कि वो सिफत इस शख्स में आ गई है, तो चूंकि सिफत और ज़ात अलग अलग नहीं होती तो इसका मतलब वो ज़ात भी इसके अंदर आ गई है, तो हुलूल का नज़रिया यहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ वो फंस जाते थे ना बेसिकली, तो फिर ये मानना पड़ता था कि नहीं खुदा ही इसमें आ गया बेसिकली, इसीलिए वो सिफत जो हैं वो जो काम खुदा के हैं वो यहाँ से हो रहे हैं। तो फिर इसी तरह से इनके ये तो जब ये नज़रिया आ गया कि ये ज़रा आगे बढ़ा कि अब इमाम को तो उसने खुदा बना दिया तो वो खुद कौन हुए, वो जो अब वो नायब थोड़ी रहे, अब तो वो चूँकि उनसे मरबूत हैं तो वो उनको अपना नबी कहलाते हैं कि हम जो लोग हैं वो इनके भेजे हुए हैं, तो जो जो हमारे लिहाज से नबी होते हैं वो अपने लिहाज से वो कहते थे कि भाई हम लोग जो हैं वो भेजे हुए हैं, हम नबी हैं। और फिर चूँकि हिदायत थी नहीं, समझ बूझ थी नहीं, तो अपनी मर्जी से वो हलाल हराम भी बयान किया करते थे और मुबाह जानते थे हराम चीज़ों को भी कि भाई करो ना करो बराबर। तो कोई मुहर्रमात का कोई तस्करा, हलाल हराम का कोई कंसेप्ट इनके दरमियान नहीं था, ठीक है, क्योंकि नहीं जब जिस जो इमाम को खुदा बना दे और खुद नबी बन जाए तो फिर आतिश जहन्नुम और ये वो तो सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं ना, फिर तो जो करते हो करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मसला है। बहुत से लोग कहते हैं ना, समझ रहे मैं किस तरह इशारा कर रहा हूँ कि भाई 12 कबीले हज़रत मूसा के दौर में और 12 सरदार के 12 कबीले थे, तो एक मूसा ने 12 कबीलों को जो है वो निजात दे दी, 12 इमाम है और तुम्हें कबीला हो मिलकर एक को नहीं है, इस तरह करके वो नारे तो लग जाते हैं बहुत, लोग खुश बहुत हो जाते हैं, लेकिन वो कहना क्या चाह रहे होते हैं, आपको क्या अमल से दूर किया जा रहा होगा, हाँ कि मतलब तुम अमल नहीं करो कुछ नहीं यहाँ करो और बस फिर ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा, क्यों नहीं है ये हम आगे चल के भी देखेंगे कि इस दौर के अंदर जो है
ये क्या हो रहा है और फिर ईमान की क्या स्ट्रेटेजी दे रही है और फिर ईमान के वो कारहा है नुमाया जो कि इस दौर में हमें सामने 35 साल की ज़िंदगी में आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, उसकी तरफ हम रोशनी डालेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो कि फिर एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि ईमान के हाथ पे उन्होंने बैत की और इमाम को इमाम माना। उसकी वजह क्या, इसकी वजह ये थी कि जब छठे इमाम की शहादत हो रही है तो एक परेशानी का आलम था कि अब आपके बाद इमाम कौन है। कुछ लोग जो हैं वो हज़रत इस्माइल की तरफ को मान रहे हैं, कुछ हज़रत मोहम्मद की तरफ चले गए तो कुछ हज़रत अब्दुल्ला की तरफ चले गए और कुछ इमाम की तरफ आए। एक अजीब अफरा तफरी का सा माहौल हो गया। ठीक है, तो खुद आठवें इमाम से पूछा गया कि क्या उनके बारे में क्या कहिएगा कि जो कि आपकी जज की तरफ नहीं आया, जो आपकी तरफ नहीं आ रहे थे इसी कंसेप्ट की वजह से। तो इमाम ने कहा कि भाई कुछ लोग दाएं चले गए, कुछ लोग बाएं चले गए। हैरानी और परेशानी के आलम में ज़िंदगी गुजारी और उसी आलम में उनकी मौत वाकई हुई। ठीक है, मतलब हैरानी और परेशानी के मामले में ही उनकी मौत वाकई हो गई, हक पर उनकी मौत वाकई नहीं हुई। इमाम ने स्टेटमेंट दे दिया अपना यहाँ पर उन तमाम लोगों के लिए कि जिन्होंने आपकी इमामत का इनकार किया और जिन्होंने आपके अय्या की इमामत का भी इनकार किया। उसके बाद फिर लोग बहुत मुताज हो गए इस वाकयात की वजह से और साथ में इमाम की ज़िंदगी ही में इमाम से पूछना शुरू कर दिया कि आपके बाद कौन होगा, हमें अभी से बता दीजिए आपका जानशीन कौन होगा। और फिर हमें तकरीबन 12-15 रवायात मिलती हैं इस तरह की पै दर पे कि जिससे हमें नज़र आता है कि इमाम ने बाकायदा तारुफ कराया कि देखो मेरे बाद मेरा बेटा ये इमाम है। तो वो लोग फिर इमाम की तरफ उन्होंने रुजू किया। इमाम की तरफ रुजू करने के दो पैरामीटर्स हुआ करते थे उस ज़माने के लोगों के लिए। एक, इमाम का किसी के बाद में नस कर देना, यानी कि इमाम की नॉमिनेशन कि ये होगा, उसके बाद भी वो इमाम से सवाल जवाब करते थे, इमाम का इल्मी इम्तहान लिया करते थे। ठीक है, वो कि वो जानते थे कि जो हुज्जत खुदा है वो इल्म में सबसे ज़्यादा होगा, वो उस इल्म वो किसी बात को नहीं करेगा कि ये मैं जानता नहीं हूँ। ठीक है, वो हर मसाइल को हल करेगा। तो लोग ये जानते थे और आपके पास आकर आपसे मसाइल का हल दरियाफ्त किया करते थे और अपने मसले जब उनको आपका जवाब मिलते थे सारे, फिर आप जो है वो आपको आपके हाथ पर बैत कर लिया करते थे। तो एक ये हमें जो गिरोह है वो हमें नज़र आता है। बहरहाल, तो हमने वहाँ हुकूमत के कुछ मसाइल का बयान किया, यहाँ से इमाम के कुछ मसाइल का बयान किया। ठीक है, अब ऐसे हाल के अंदर इमाम की जिम्मेदारी क्या है? इमाम को तरबियत भी करना है अपने जो है मुसलमानों की, उनके अकायद को सही करना है। वो दराड़ और वो ये तो मैंने एक फिरके का नाम लिया है ना, ममतूरा। और ममतूरा तो एक तरह से शियों के अंदर ही उनको डिवाइड करने के लिए बना है। ठीक है, भी और फिरकों का मैंने नाम नहीं लिया। और फिरके उस ज़माने के कौन कौन से हैं? मुतज़िला लोग भी मौजूद हैं, अशारी लोग, अबू मूसा आशरी के लोग जो हैं वो लोग उसके अंदर, वो एक फ़िरका मौजूद है। और एक बहुत अहम फ़िरका है उस ज़माने में कि जिसका इम्पैक्ट आज भी हमें नज़र आता है अपने सराउंडिंग्स में, और वो है नहीं आवाज़ नहीं आई मुझे, गाली तो है वो तो नहीं। अच्छा, उस नाम से नहीं है, और जो कि उस नाम से एक फिरका मौजूद है लेकिन वो कुल्लन उस ऐसा नहीं है। अहले हदीस की बात मैं कर रहा हूँ, अहले हदीस फिरका उस वक्त मौजूद है लेकिन ये अहले हदीस वो अहले हदीस नहीं है। उनकी कुछ तालीमात आज हमें नज़र आती हैं जो कि अहले सुन्नत ने अडॉप्ट कर ली, और वो क्यों कर ली उसकी तरफ भी हम आज थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। देखो, दो तरह के नज़रियात, इमाम शेखैन और इमाम अली। एक वो गिरोह के जो कि इमाम अली को अफजल जानता इन दोनों हजरात से, समझ रहे हैं मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, इनसे अफजल जानता। ठीक है, और एक वो गिरोह है कि जो कि इन शेखैन ही को अफजल जानता है, इमाम अली को हत्ता के शायद चौथा खलीफा भी नहीं मानता, उस कैटेगरी से भी नहीं लाना चाहता। ठीक है, तो अब जब तारीख में ये दो कैटेगरीज हो गई, अहले हदीस जो हैं वो शेखैन को अफजल जानते थे, ये खुद उस्मानी फ़िक़्ह के ऊपर थे, उस्मानी फ़िक़्ह के ऊपर थे, ये जो हज़रत उस्मान के मानने वाले और इस
फिका के लोग हैं और इस नज़रियात के लोग हैं। ये उस्मान को बटर जानते, शेखैन को बटर जानते, हज़रत अली को किसी गिनती में नहीं लाते थे। आज भी हम देखते हैं कि ये सोच कहीं कहीं रातें हुई हुई है। मैंने खुद डिस्कशन सुने हैं, लोगों की बात सुनी है कि जो कहते थे अभी कहते हैं कि मौला अली जो है, अच्छा मौला अली को मैं कह रहा हूँ, वो तो नाम लेते हैं, कि शुरू में तो ठीक चले, बाद में वो जो है बिगड़ गए। तो असल में खलीफा तो बस तीन ही हैं, चौथे वो खलीफा राशिद नहीं है। ये नज़रिया है, याद रखिएगा। वो कि अभी बहुत ज़्यादा खुलकर कोई चैनल्स पे इस तरह की बात नहीं करता, लेकिन बहरहाल एक गिरोह है जो ये नज़रिया रखता है, ठीक है। अच्छा उसकी ये गिरोह समझ में आ गया, अली अजी। अच्छा इनके जो अगेंस्ट है वो है मोतजली। अच्छा इनके कुछ बेसिक अपने कंफ्लिक्ट भी हैं, और वो क्या है कि अहले हदीस जो हैं, जैसे वो जबर के कायल हैं, वो कहते हैं वो नकल के कायल हैं, कि नकल से मुराद कॉपी करना है। नकल मीन्स के वो बस हदीस के जाहिर को देखते हैं, कि जो हदीस है जाहिर यही है, इसके बातिन को नहीं देखते, ठीक है। और उसके मुखालिफ जो मोतजरी हैं वो सिर्फ अकल को मानते हैं, वो नकल को नहीं मानते। तो एक एक्सट्रीम ये है, दूसरी एक्सट्रीम वो है, ठीक है। क्योंकि हकीकत जो है वो कुछ और है, हकीकत का रास्ता कुछ और है। बहरहाल हदीस की अहमियत अपनी जगह, लेकिन उसकी उसके बातिन को देखना, अगर हम नहीं देख पा रहे हैं तो हुज्जत खुदा से पूछेंगे कि इसका बातिन क्या है। मैं एक मिसाल दे दूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात को ना समझ पा रहे होंगे, अकल क्या है, नकल क्या है। जैसे अगर एक हदीस है कि मैं इशारा कर रहा हूँ, हदीस है नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि जैसे जैद आलिम है इसकी इज्जत करो, ये जुमला है। तो अहले हदीस हजरात जब इस जुमले को देखेंगे तो ऐसा होगा कि जैसे एक साहब आएंगे, कहेंगे क्या नाम है आपका, जैद, हाँ जैद है, आलिम है, इसकी इज्जत करो, आप बिठा सकते। अच्छा दूसरे आलिम आए, वो आया, मैं भी क्या नाम है, मैंने मौलाना फलाना है, अरे इसको इज्जत करो, क्योंकि ये जैद नहीं है, हदीस में है जैद आलिम है, जैद की इज्जत करो, और जो दूसरा भी चाह रहा है वो कौन है। तो ठीक है, ये अहले हदीस का नज़रिया इस तरह का है, नहीं कि वो सिर्फ जाहिर की बात करेंगे। तो हुज़ूर ने ये कब कहा था कि जो दूसरा आलिम है उसकी तुम बेइज्जती कर दो, ये तो नहीं कहा था। तो ये नकल को मानते, अच्छा वो कुल्ल नकल को मानते, कि जो उनकी अकल कहती उनकी अकल कहती, क्योंकि अकल भी हर एक की अपनी अपनी हिसाब से होती है, जो उससे ज़्यादा इस्तफादा करता है वो ज़्यादा आगे जाता है, कुछ लोग उससे इस्तफादा नहीं करते, खर्च होने से ख़त्म हो जाती है वो, तो खर्ची ना करो उसको। तो वो अकल उनकी जो थी वो अपनी अकल के ऊपर फैसला किया करते थे, वो भी गलत होता था मामला। अच्छा वो हज़रत अली को अपने जानते इन शेखैन से, ये भी ख्याल है, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, किसको किससे मिलाते हैं और किससे अफजल होते हैं, मतलब इवन यू कैन नॉट कंपेयर, आप किसको, यू आर कंपेयरिंग एप्पल फ्रॉम ऑरेंजेस, आप एक जगह एक किस शख्स को किससे, मौला अली ने खुद एक शिकवा किया है कि मुझे सिफीन में मुझे किससे मिलाया गया है, मेरा मुकाबला माविया से किया गया, कि मेरा मुकाबला तुम माविया से करो, कि माविया है और अली है तो नहीं, चूँकि माविया में ही अली बेहतर है। और फिर एक और शिकवा अपनों से किया है कि मुझे तुम हक पे पहचान रहे हो क्यों, इसी के अमार मेरे लश्कर में, वो एक हदीस सुन चुके थे ना कि अमार जो है उनको बागी जरूर शहीद करेगा, तो कितने लोगों को उस वक्त समझ में आया कि इस वक्त हक पर कौन है, क्योंकि अमार यहाँ से शहीद हुए हैं, इससे समझ गया आपने कि अमार की वजह से मुझे पहचान, मुझे नहीं पहचान, वो कुरान उठा रहे हैं कि हम कुरान से जंग नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं मैं कुरान नाते हूँ, मैं कुरान तुम इसमें तो कुरान भी नहीं है, पत्थर भरे हुए हैं, एकदम से जुदाने में कुरान कहाँ जाया गया था, वहाँ पर पत्थर उठा के उसको कुरान बना के कुरान की छवि बनाकर सामने कर दिया था, तो उसकी इतनी अहमियत हो गई, वो खुद बोलता हुआ कुरान इतनी शिकवा। बहरहाल हमें ज़रा देखना, ये भी हमें देखना चाहिए मार्फत, इसका मतलब वहाँ पर भी मार्फत इमाम की कमी थी, तो खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता अभी इमाम का ज़रूर होगा, तो कहीं मैं भी तो इधर उधर की निशानियों से नहीं पहचान पाऊँगा इमाम को नहीं पहचान पाऊँगा, इमाम की मार्फत नहीं होगी, ठीक है। तो बहरहाल आगे चलते हैं कि इमाम को जो मसाइल दरपेश है यहाँ पर वो कुछ और है हमारा। तो मैं अर्ज कर रहा था अशारी और मोतजली फ़िरके के बारे में, तो मोतजली जो है वो अज़द अली को अफ़ज़ल जानते थे, और अहले हदीस
जो है वो इवन चौथा खलीफा मानने को तैयार नहीं थे। अब जब तारीख में मौरखी ने कलम उठाया, जब उन्होंने एक बुक से भरा हुआ कलम उठाया जिसे मैं कहूँगा, तो उन्होंने एक तफरीक की शिया और गैर शिया को पहचानने में फ़र्क क्या किया कि जो मौलानी को माने शिया और जो मौलानी को नहीं माने वो गैर शिया। तो अब जब फहरिस्त बनी तो उसके अंदर वो मोतज़िली और जो लोग भी अफजल जानते हैं यहाँ तक कि चौथा खलीफा भी कहते थे, क्योंकि अहले हदीस के नज़रिए से वो फिर अलग लोग हो गए थे, उनको भी उन्होंने शियों की फहरिस्त में डाल दिया। यही वजह है कि मामून को भी बहुत सी किताबों में शिया कहा गया। ये लकब उसको अहले सुन्नत मुवर्रिखीन ने दिया, क्यों? इसलिए कि वो अहले हदीस के मुखालिफ है, मोतज़िली था, वो अहले हदीस का मुखालिफ था। जब मुवर्रिख ने कलम उठाया तो उसने कहा चूंकि ये अहले हदीस का मुखालिफ है, हज़रत अली को बेहतर जानता है, तो शिया है। और ये हुआ है, धोखा हुआ है बहुत जगहों के ऊपर बहरहाल। लेकिन हम जानते हैं कि हम अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे हैं, चलो ठीक है हम तो मौजूद नहीं ना उस वक्त, लेकिन हमें कुछ ऐसे हमें ऐसी रवायात नज़र आ रही हैं, ऐसे वाक़ियात नज़र आ रहे हैं कि जिसके अंदर से हम बखूबी देख सकते हैं कि वो शिया था कि मुतज़िली था। अगर वो शिया हो तो वो फिर इमाम को मजबूरन जबरन मदीना से खुरासान नहीं बुलाएगा और उनके ऊपर अपनी मर्जी थोपेगा नहीं, उनको जो है वो इस हद तक उनको ऑर्डर नहीं करेगा अगर वो शिया हो। ठीक है, अगर कोई शिया हो तो उसको फिर वो ये भी नहीं कहेगा कि अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं कत्ल कर दूंगा आपको। यह ऐसा कौन सा शिया है कि जो अपने इमाम को कत्ल करने के ऊपर शिया, आपके साथ कंपेनियन नहीं, कंपेनियंस तो कर सकते हैं, मैं शिया की बात। तो अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ कंपेनियंस कर सकते हैं, दूसरे इमाम में देख चुके हैं हम 40,000 का लश्कर लेके चले, आखिर में 14 लोग हो गए कंपेनियन, मुझे सात जो लोग होते हैं वो जरूरी नहीं कि सब शिया हों, तो वो कभी भी कतल के धंधे नहीं देगा। ठीक है, तो भारत बहुत सारे पेदर पे वाक़े नहीं, बड़े वाजे बात है ना, ये तो सामने सामने की बातें हैं, इससे हम नहीं अंदाजा लगा सकते जनाब वो शिया था नहीं, शिया नहीं था। अच्छा अब हम डायरेक्ट वली अहदी के मामले पे आ जाते हैं कि इमाम को एक तो ये मसाइल सारे दरपेश हैं, और फिर आखिरी और सबसे हाईलाइटेड मसला और वो था वली अहदी कि मामून की तरफ से बार बार खत का आना, बार बार इमाम को खत भेजना कि आइए आकर जो है वो हुकूमत वली अहदी इख्तियार कीजिए। गो के वली अहदी का मामला बाद में रखा मामून ने, पहले तो खुद खिलाफत की पेशकश कर दी। ये चीज़ इतनी बढ़ गई, इतने खतूत बढ़ गए कि अब इमाम के लिए नो की कोई गुंजाइश बची नहीं। हालात ऐसे पैदा हो गए कि इमाम जो है, इमाम ने अब इरादा किया कि अब कोई चारा नहीं है कि मदीना छोड़ना पड़ेगा और खुरासान जाना पड़ेगा। न जाने की सूरत में नुकसान क्या होता, अब मैं उस पहलू की तरफ आता हूँ। इमाम का मुसलसल इनकार, वजह क्या है? तकरीबन 35 साल इमाम की ज़िंदगी मदीना के अंदर गुजर गई अपनी कारह इमामत को अंजाम देते हैं, और उससे पहले भी तारीख में अगर मौला अली से लेकर के और आफिस ज़ाहिरन जितनी भी जो पब्लिक में इमाम रहे उन तक आइमा के शागिर्दों की अगर फहरिस्त बनाई जाए और अकेले इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के शागिर्दों की फहरिस्त बनाई जाए तो उन तमाम से इमाम की फहरिस्त बहुत लंबी होगी। अर्ज किया मैंने, फिर दोहरा दूँ कि उन तमाम शागिर्दों की बात हम फिर कर रहे हैं। ख्याल रहे 40,000 लोग तो छठे इमाम के सामने बैठते हैं, मगर वो सामने बैठते हैं। दर्स में बैठना, मसाइल लेके चले जाना, ये तो कह सकते हैं कि ये अटेंडीज थे, जैसे कोई सेमिनार हुआ उसमें बैठकर आ गए। मैं शागिर्द की बात कर रहा हूँ। शागिर्द वो होता है कि जिसका यानी कि उस्ताद और शागिर्द का जो राबता मुसलसल रूहानी पेशवा है ना, उस्ताद कौन होता है? स्पिरिचुअल फादर है, रूहानी वादा हुआ करते हैं, उस वो वाला मामला, और वो उसको उसकी तरबियत मुसलसल राबते में हो और वही अफकार और वही नज़रियात का मालिक हो जो कि उस्ताद कहते हैं। शागिर्द को देखकर मैं उस्ताद को पहचान जाऊं कि ये जिसका शागिर्द है
तो उसका इमाम कौन है, उसका इमाम कौन होगा? इस कैलेबर के शागिर्दों की जब लिस्ट बनाई जाए तो तमाम अइम्मा की शागिर्दों की लिस्ट एक तरफ होगी और उन सबसे ज़्यादा इमाम के शागिर्द होंगे। मुझे बहुत ढूंढने से उन सब के नाम मिले और उनकी जो तादाद मुझे नज़र आई मैक्सिमम वो 366 शागिर्द थे। उस कैलेबर के कितने? 366, 366 शागिर्द इमाम के मौजूद हैं, जिनमें से चूँकि मैं सबके प्रिंट्स नहीं ला सका, मेरे पास वो ज़खीरा मौजूद है, आप हजरात में से जिनको चाहिए वो मैं उनको ईमेल ज़रूर कर सकता हूँ, वो सारी अपना मैटर आप चाहें तो प्रिंट ले लें उसका और वो देख लें, क्योंकि उनकी कुछ सामान हयात और उनका इंट्रोडक्शन भी उसके अंदर मौजूद है। तबरुकन मैं दो का नाम लूँगा। अब इनमें से एक साहब हैं अली बिन महज़ियार। अली बिन महज़ियार जो हैं उनकी कुछ किताबें, उन्होंने कई किताबें लिखी उस दौर, शागिर्द की कैलिबर देखें और शागिर्द का कॉन्फिडेंस देखें कि इमाम के वजूद होते हुए वो बुक लिख रहा है, वो किताब लिख रहा है और वो लोगों को दे रहा है, लोगों से बात कर रहा है, मनाजरे कर रहा है। चलती फिरती यूनिवर्सिटी थे वो खुद, जितने मैंने के 366 यूनिवर्सिटी कायम कर दी थी हमने, और तारीख में लिखा है कि हमें सारी कुतुब की तो मालूम नहीं हो सकी कि उन्होंने क्या क्या लिखा। कुछ किताबें जो थीं उनकी तादाद 33 है, 33 बुक्स उन्होंने उस ज़माने में लिख डाली। जैसे मेरे पास ये 33 की लिस्ट है पूरी, किताबुल वदू, अब ज़रा एक बात नोट कीजिएगा, किताबुल सलात, किताबुल ज़कात, किताबुल सौम, किताबुल हज, ये पूरी पूरी किताबें लिखी हुई, हज के ऊपर पूरी किताब, सौम पे पूरी किताब, ठीक है, किताबुल हुदूद इस्लामिक पनिशमेंट्स उसके ऊपर पूरी किताब लिखी है उस दौर में, ठीक है। फिर कहते हैं कि किताबुल फ़ज़ाइल, किताबुल फ़ज़ाइल, ये भी देखिए कुछ साइलेंट मैसेज है, किस दौर के अंदर ये बातें हो रही हैं सारी, जब हाली मौजूद हैं, गुलू करने वाले मौजूद हैं, जो कहते हैं हलाल और हराम कुछ नहीं होता, जो कर लो जायज़ है, हराम का करना मुबाह होता है, करो ना करो बात बराबर है, तो लिखने वाला सिर्फ के ऊपर किताबें लिख रहा है, किताबुल नुज़ूल, किताबुल सलाह, किताबुल सौम, वो बता रहा है कि नहीं नहीं छोड़ सकते, अहमियत है बहुत इसकी। सवाल पैदा होता है, एक मौरख जो है, मैंने खुद जब मैं भी तो ऊपर से पढ़ कर नहीं आया आपकी तरह, कहीं मैं बनता हूँ यहीं पर पढ़ रहा होता हूँ, तो मैं खुद अपने आप से सवाल करता था कि जब मैंने अली बिन महज़ियार की कुतुब का देखा कि इन्होंने यही किताबें लिखी और इसी तरह की किताबें आपके दो तीन और शागिर्दों ने लिखी, जैसे इनके बाद एक दूसरे साहब हैं, इनका नाम था मूसा बिन अल कासिम। मूसा बिन अल कासिम की जो कुतुब हैं वो क्या हैं? किताबुल दियत, किताबुल हज, इन्होंने भी ऐसी किताब लिखी, इन्होंने भी किताबुल दियत लिख डाली, किताबुल निकाह, किताबुल सियाम। मैंने कहा क्या सिमिलरिटी क्या है दोनों किताबों में, दोनों का टॉपिक सेम है, दोनों के मामला सेम है, मतलब कि फिक्र से लोग दूर हो रहे हैं, अमल से दूर हो रहे हैं, ठीक है ना, भटक रहे हैं। तो अब इमाम के शागिर्दों की जिम्मेदारी क्या है? सही लेके आए, फिर को दोबारा सुन्नत का अहया करें, सुन्नत क्या होता है, तरीका क्या होता है, उसका अहया करें, उसकी मुहाफिजत करें। तो इमाम तो वो काम अंजाम दे ही रहे थे, वो साथ में 366 यूनिवर्सिटीज़ कायम कर दी आपने, कि जो मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने ये कहा है नुमाया जो है वो अंजाम देना शुरू कर दिया। तो ये वो काम है जो कि इमाम अपने 35 साल की ज़िंदगी में मदीना में कर रहे थे, और ये वो काम है कि जो कि मामून के दरबार में बैठ कर नहीं हो सकता, इसलिए इमाम ने आखिर वक्त तक इनकार किया, नहीं अभी नहीं आऊँगा, अभी नहीं, लेकिन जब मजबूर हो गए, जैसे हम कहेंगे विलायत तशरीह के बारे, तशरीह के बारे मामले में मजबूर की बात कर रहा हूँ, ये वाले जुमले आपके सामने तो हम कह सकते हैं, लेकिन शायद और लोगों पर ना कह सकें, जब ज़ाहिरन मजबूर हो गए तो फिर आपने जो है वो खुरासान जाने का इरादा किया, और वो भी इस तरीके से कि फिर आसपास के तमाम लोगों को जमा किया, वसीयतें करना शुरू कर दी,
ताकि लोग जान लें कि देखो मैं कोई खुशी से नहीं जा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ तो मैं वापस आने के लिए नहीं जा रहा हूँ। इमाम ने कुछ अमवाल का तकसीम किया, इमाम ने वसीयतें की, इमाम ने अमानतें इधर उधर जो है वो कुछ लौटाई, इमाम ने कुछ लोगों को गाइडेंस दी कि देखो तुम ये किया करना, आज के बाद तुम ये करना, मैं ये काम करता था आज के बाद तुम ये काम कर। इमाम जिम्मेदारियाँ बांटते चले जा रहे हैं, लोग परेशान हैं कि इमाम को क्या हो गया, इमाम सफ़र पर तो जा रहे हैं। सोचें आज हम उनके नाम से इमाम नामी करते हैं, इमाम खुद सफ़र पर जा रहे हैं तो लोग परेशान हैं। और कहाँ जा रहे हैं वो? खुरासान, बिल्कुल दूर, एक बिल्कुल ही गरीब बदनी की कैफियत के इमाम को जो है वो अपने अजदाद से दूर किया जा रहा है। फिर हुजूर आपका लगाव मदीना मुनव्वरा से, कि रावी कह रहा है कि मैंने देखा कि इमाम जो है ना वो बार बार जो है वो हरम से निकलते थे, फिर जाके कब्र से लिपट जाते थे, फिर निकलते थे, फिर जाके कब्र से लिपट जाते थे। तो इमाम की कैफियत है, इमाम छोड़ना नहीं चाह रहे, इमाम जाना नहीं चाह रहे। एक तो लगाओ रौज़ा रसूल से, फिर वहाँ कि अपने अहले बैत से, वहाँ आपके चाहने वालों से, ठीक है। और इमाम ने फिर शिकवा किया कि मुझे मेरे चाहने वालों से दूर कर दिया है यहाँ भी। और फिर एक शिकवा खुरासान में दिखता है कि जब इमाम को नज़रबंद किया है ज़ाहिर कि आप मस्जिद से बाहर नहीं निकलेंगे, ये लोग आपसे नहीं मिलेंगे, आपकी जान को ख़तरा है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, इमाम ने वहाँ पर भी इमामों पर यकीन किया कि मुझे मेरे चाहने वालों से दूर कर दिया गया, ठीक है। बहरहाल लेकिन इमाम जितना काम कर चुके वो इस हद तक काफ़ी था मदीना के अहतीब में कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस बात को जो है उन्होंने समझ लिया था कि अब वो हुकूमत संभाल सकते हैं, ये फिक्र उनके अंदर जो है वो मौजूद हो गई थी। अब हम यहाँ देखना ये चाहते हैं कि वली अहदी से मामून क्या चाहता था और इमाम ने उसका मकसद कैसे रद्द किया। हम अपने इस बात की तरफ आते हैं। मामून जो कि बहुत ही चालाक मक्कार और अय्यार शख्स है, मामून अपनी हुकूमत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी कत्ल कर सकता है, और जैसे कि अपने भाई तक उसने कत्ल कर दिया तो उसको ये देखना कि मैं अपनी हुकूमत कैसे बचाऊँ, अलवी तहरीकों से कैसे बचूँ, वो लोग जो इमाम के गिर्द जमा हैं इनसे कैसे बचूं, और ये जो अब्बासी जो कि मेरे मुखालिफ हो चुके हैं इनको मैं कैसे अपने पास बुलाऊं, अपने हुकूमत के साथ मिलाऊं। ये तीन काम उसके सामने सामने नज़र आ रहे हैं। यहाँ मैं एक बात का इजाफा करता चलूं कि इसका जो वजीर है जिसका नाम फजल बिन सहल है, जो कि मामून का उस्ताद भी रह चुका है और उसको बहुत गाइडेंस भी देता रहा है, गो के इसकी गाइडेंस, इसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती थी वो खुलूस से नियत पे नहीं होती थी, क्योंकि इसके दिल में एक अजब अपनी ख्वाहिश चल रही थी कि ये मामून को ख़त्म करके और फिर खुद खलीफा बन जाए। ज़ाहिर है ये सारे काम खुद किया कर रहा होगा, तो वज़ीर आज़म था। एंड सो इज़ द केस विद अमीन, उधर जो अमीन का वजीर है उसका नाम भी तफाक फजल है, वो फजल बिन रबी है, ये फजल बिन सहल है, वो अमीन को गाइड करता था, ये मामून को गाइड करता था। इन दोनों फजल ने जो काम किया वो अपना अपना फजल दिखा रहे थे, वो अपना फजल वहाँ दिखा रहे थे, ये अपना फजल यहाँ दिखा रहे थे, जड़ें मामून की यहाँ कट रही थी, वहाँ अमीन की जड़ें कट रही थी। और हालत ये हुई कि अमीन को तो उसने जो है वो फिनार करवा दिया और खुद भी जो है वो प्रपोज हो गया, इधर उधर हो गया। और इधर जो है फजल बिन रबी, फजल बिन सहल की पूरी कोशिश थी कि मामून को फंसा दे किसी तरीके से मसाइल के अंदर, अमीन को मरवाने में भी यही आगे आगे था कि डेफिनेटली, क्योंकि जो मसाइल अमीन के मरने के बाद क्रिएट हुए उसमें एक्टिव रोल जो प्ले किया वो फजल बिन सहल ने किया, सारी प्लानिंग और सब चीज़ें इसी की थी, ठीक है। इमाम ने जो है इस साजिश का मुकाबला कैसे किया वो हम देखते हैं। जब इमाम को मालूम हो गया कि बस अब तो खुरासान जाना ही है, तो फिर इमाम ने इस सिचुएशन को अपने हक में कैश करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बयान कर ली, और वो क्या थी? वो ये थी कि मामून ने दर हकीकत चूंकि वो पेशकश कर रहा था हुकूमत की, तो इमाम ने उसको इस तरह से लिया कि देखो इसका मतलब कि अब तक अलवियों को तो हुकूमत का हक दिया ही नहीं गया ना, बल्कि तसव्वुर भी नहीं था कि अलवी हुकूमत करेंगे, हुकूमत कहते थे कादियों का हक है। तो मामून ने अलवियों के इस हक को पहचाना है कि हुकूमत जो है वो अलवियों को होनी चाहिए, जो कि हमें हमारे, और मामून ने इस हक को पहचान लिया कि देखो हुकूमत हमें करनी चाहिए, जो कि हमसे पहले गुजरे हुए जितने भी लोग गुजरे हैं, यानी कि मामून के जितने अजदाद थे उन्होंने
हमें इस बात का हक ही नहीं दिया, ये सोचने ये लोगों ने बताया ही नहीं कि हम भी हक़ हुकूमत रखते हैं। तो हमारा हक़ हुकूमत मामून ने कम अज़ कम रियलाइज कर लिया, इमाम ने उसको इस तरह से लिया। आप बात समझ रहे हैं, उसकी साजिश को उसी को पलटा दिया। इमाम जानते हैं वो अपनी पेशकश में जो है वो सिंसियर नहीं है, लेकिन इमाम ने जो है वो इस चीज़ को, ये चीज़ दरमियान में जो पॉजिटिव पॉइंट कह लीजिए कि जो किसी ने ये ख्याल किया कि हुकूमत भी हमारा हक है जो हमें हुकूमत देने की बात कर रहा है। मामून का जो नज़रिया था वो ये था कि इमाम को कंट्रोल करेगा, इमाम की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर करेगा और इमाम की मंजिलत को लोगों में गिराएगा। क्योंकि देखो ये भी दुनिया परस्त हैं, इनको हुकूमत चाहिए इसलिए मेरी बलियादी कबूल कर ली उन्होंने, एक ये मैटर भी था। फिर जैसे शिया हज़रात एक अकीदा रखते हैं, ये हम सभी की, इमाम जो है वो इल्म लदुनी का हामिल होता है, इमाम को माकान और मायकून का इल्म हो जाता है, होता है और हो जाता है, दोनों मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, होता है और हो जाता है। होता है जो पहले से होता है बाई डिफॉल्ट जिसे आप कहते हैं, ठीक है, मुझे इतना नहीं, बहुत सारे लोग शायद प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं आप वैसे तो वो समझ जाएंगे कि इवेंट ट्रिगर होता है तो पता लगता है, कुछ इवेंट्स बाय डिफॉल्ट ट्रिगर हो जाते हैं और कुछ करने पड़ते हैं। तो कुछ इल्म जो है वो ऑलरेडी हो चुका होता है और कुछ ट्रिगर करना पड़ता है तो फिर पता लगता है, जैसे हम इल्म फेरी कह रहे होते हैं वो इल्म शानी होता है। तो ये इल्म होता है, तो इसीलिए इमाम के पास नहीं का कोई कंसेप्ट नहीं होता कि नहीं मैं नहीं जानता। जवाब डिफरेंट हो सकता है बकद आकल पूछने वाले का, लेकिन नो का कोई कंसेप्ट नहीं होता, नहीं हम नहीं जानते, ये जुमला कभी किसी इमाम ने नहीं कहा, बल्कि हर जगह है पूछो, क्या पूछना है, जो पूछना है पूछो। तो इस बात को मामून रद्द करना चाहता था कि मैं किसी तरीके से ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगा कि इमाम से सवाल करूंगा, इमाम जवाब नहीं देंगे, और मैं कहूँगा देखो तुम लोग कहते हो कि आलिम है, कहाँ आलिम है, इन्होंने जवाब नहीं दिया। शख्सियत गिराना चाहता है, इमाम को नीचा दिखाना चाहता है, इमाम को दुनिया भर जाहिर करना चाहता है, इमाम की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना चाहता है, इमाम के ऊपर इमाम को देखना चाहता है कौन लोग मिल रहे हैं, इमाम क्या बात कर रहे हैं। ये तमाम काम कब हो सकते हैं कि जब इमाम को वो अपने दरवाजे जाए, किसी भी सूरत, चाहे वो खलीफा की पेशकश करे चाहे वो वली अली की पेशकश करे, इमाम को अपनी नज़रों में सामने जाए। तो ये इसके इकदाम थे और इमाम का रद्द अमल पहले इमाम ने इनकार किया और उसके बाद फिर इसी चीज़ को इमाम ने अपने आप में जो है वो जो है वो यूज़ किया और सियासी एक बसीरत जो है हमें नज़र इमाम की यहाँ से आती कि इमाम ने कहा कि देखो अलवियों का हक है हुकूमत, इसने कम अज़ कम आज इतना तस्लीम कर लिया है। और इमाम जो है कि बहरहाल मदीना से रुखसत होकर आ जाते हैं खुरासान। जब खुरासान पहुँचते हैं तो खुरासान पहुँचने के बाद जैसे ही पहुँचते हैं उसी वक्त दरबार लगा हुआ है और उसने आते साथ इमाम को खिलाफत की पेशकश कर डाली कि आइए ये हुकूमत आपका हक है और आज के बाद से आप जो है मैं चाहता हूँ कि इस हुकूमत को जो है वो संभालें, मैं अपने आप को माजूर करता हूँ और आपको ये हुकूमत सौंपता हूँ। पहले खलीफा की खिलाफत की पेशकश कर रहा है, इमाम ने उसको एक इससे पहले कि उसे जवाब देते पहले एक छोटा सा खुतबा इमाम ने इरशाद फरमाया जहाँ पर अब्बासी सुफरा मौजूद हैं, जहाँ पर अवामुल नास मौजूद है, क्योंकि देखा जाए तो बलिया को बुलाया है ना, एक पब्लिक गैदरिंग थी। तो इमाम ने खुतबा दिया कि जिसके अल्फाज कुछ इस तरह से हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हफ़ज़ा मिना मा ग़य्यना वरफ़अ मिन्ना मा वज़अऊहु हत्ता लक़द लुइन्ना अला मनाबिर अल-कुफ्र 80 عاماً وقتمت فضائلنا وبذلت الأموال في الكذب علينا والله يا أبي لنا إلى أن يعلي ذكرنا ويبين فضلنا حمد ثنا اس خدا کے لیے ہے جس نے ہماری اس چیز کی حفاظت کی جسے لوگوں نے ضائع کر دیا تھا और हमारी कदर मंजिलत को बुलंद किया जिसे लोगों ने पस्त कर दिया था। 80 बरस तक कुफर के मिंबरों से हम पर दान की गई, हमारे फजाइल को छुपाया गया और हम पर झूठ बांधने के लिए अमवाल खर्च किए गए, लेकिन
खुदा ने हमारे जिक्र की बुलंदी और हमारे फजाइल के इजहार के अलावा कुछ और ना चाहा। इमाम ने इस सिचुएशन को इस तरीके से बयान किया कि हम पर तो नफरीन होती थी, हम पर तो सब कुछ हिदम होता था, आज खुदा ने हमें कमर इस तरह से नवाजा कि वो हक जो हमसे छीन लिया गया था आज हमें पेशकश की जा रही है कि आइए आपका हक ले लीजिए। ये इमाम ने दुआया कलिमात कहिए या उसको खुतबा कहिए इरशाद फरमाया, फिर पलट कर मामून को जवाब दिया। मामून का जवाब भी ऐसा है कि जो कि उसको बिल्कुल ही लाजवाब कर दिया, वो तिलमिला दिया कि क्या करें। इमाम ने जवाब दिया, ख्याल रहे क्या कर रहा था, इमाम को खिलाफत की पेशकश कर रहा था, कह रहा था मैं खुद माजूल हो रहा हूँ, खिलाफत आपको दे रहा हूँ। फिर पलट कर इमाम ने क्या जवाब दिया, कहते हैं अगर ये खिलाफत तुम्हारी है और खुदा ने उसे तुम्हारे लिए करार दिया है तो इस सूरत में तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम उस लिबास को जिसे तुम्हें अल्लाह ने पहनाया है उतार कर दूसरे के हवाले कर दो, और अगर खिलाफत तुम्हारी नहीं है तो इस सूरत में तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि जो चीज तुम्हारी है ही नहीं उसे तुम दूसरों के हवाले कर दो। कितना उमदा जुमला है, कितनी प्यारी बात है कि जो खिलाफत तुम्हें खुदा ने दी है अगर तुम्हें दी है और ये तुम्हारा हक है तो फिर तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम इसको उतार कर किसी और के हवाले कर दो, और अगर ये तुम्हारी है ही नहीं तो फिर तुम्हारे लिए ये जायज ही नहीं है कि एक चीज जो तुम्हारी है ही नहीं वो तुम किसी और को दे दो। मामून तिलमिला गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था, या तो वो मान ले कि इमाम की हक थी और मैं अब तक और मेरे अजदाद गसत के मेंबर के ऊपर बैठे हुए थे, या तो वो मान ले, या वो ये माने कि हाँ ये मेरी है और मैं आपको दे रहा हूँ तो क्यों दे रहे हो। तो इमाम ने जान छुड़ाई है उससे कि यस करेगा तो भी फंस रहा है, नो करेगा तो भी फंस रहा है, ठीक है तिल मिला दो। बहरहाल तो फिर कहा कि ठीक है फिर आप वली अहदी की पेशकश कबूल कर लीजिए। वली अहदी में होता कि ठीक है मैं हूँ खलीफा, मेरा हक है, लेकिन अगर मैं ना रहा तो फिर पीछे कौन होगा देखने वाला, तो आप होंगे। और फिर इसके ऊपर मुजर भी था, जोर भी दिया कि नहीं आप ये दें, आप वली अहदी कबूल करें। इमाम ने फिर इसका जवाब कैसे दिया, इमाम ने कहा कि मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ क्योंकि आगे मुझे बहुत आगे जाना है और वक्त कम है। इमाम ने कहा कि देखो ख्याल रहता इमाम की उम्र में और मामून की उम्र में 20 साल का फर्क है, इमाम बड़े हैं, मामून जो है इमाम से 20 साल छोटा है। वली है कौन होता है कि जब बादशाह ना रहे तो उसके बाद जो उसके जो छोटा बेटा है या उसके जो छोटा है बाद में, डेफिनेटली अगर वो 70 साल की उम्र में मरेगा तो ये बेटा छोटा होगा, 25-30 साल का होगा, तो फिर जाकर कहीं बात समझ में आएगी। ये वली है कैसा है कि जो कि बादशाह से 20 साल बड़ा है, ये कुछ समझ में नहीं आता है, इसमें वली अहदी का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा। मामून की नीयत समझ में आ रही है यहाँ कि वो चाहता क्या है, इमाम से क्या चाह रहा है, कि वो अपनी मर्जी थोप रहा है इमाम के ऊपर, क्या वली अहदी इख्तियार करें। एक बात, दूसरी बात ये कि इमाम फिर जाहिर कर रहे हैं उस मजमे में, कहते हैं देखो मैंने अपने जज से सुना है कि मैं तुमसे पहले इस दुनिया से जाऊंगा। मैंने इसको मैं कहूँगा कि इमाम तकिया फरमा रहे हैं, खुलकर कह सकते हैं कि मैं कह रहा हूँ मुझे इल्म है, मगर इमाम उसको पटा रहे रसूलल्लाह, क्योंकि डेफिनेटली जो इल्म मिला वो रसूलल्लाह से मिला है। मैंने जज से सुना है कि मैं तुमसे पहले इस दुनिया से जाऊँगा और मेरी शहादत, मेरी जो इमाम ने क्या जुमला यूज़ किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहा कि मेरी जो इंतकाल है या वो जहर के सबब से होगा, मुझे जहर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये और फिर बना गए ना कि अरे कौन आपको फर्जंद रसूल, आपको कौन यूँ क्राफ करेगा, कौन जहर देगा। इमाम ने सिर्फ इशारा किया कि चाहूँ तो बता सकता हूँ, बाजी समझ में आ रहे हैं तो कि नहीं गड़बड़, चाहूँ तो बता सकता हूँ, तो भाई चाहूँ तो बता सकता हूँ, अभी नहीं जा रहा, यानी कि इसमें फेल है। ये बहुत अहम मामला है, मालूम है कि बुलाया जा रहा हूँ, जहर देने के लिए बुलाया जा रहा हूँ, कब देगा, कहाँ देगा, कैसे देगा, ये इसमें फेली वाले मामला आते हैं। जब चाहेंगे तो पता लग जाएगा, लेकिन जब चाहेंगे मोहम्मद अशाउन अशा तुम लोग चाहते ही नहीं, मगर जो अल्लाह चाहता है, अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह चाहता है कि सिस्टम इम्प्लीमेंट हो, अल्लाह चाहता है कि एक माशरा बिल्डअप हो, अल्लाह चाहता है कि एक
मुनज़्ज़म मजबूत माशरा बने जहाँ पर आपस में बाहिनी रवाबत दोनों भी मजबूत हों, जहाँ पर आप मशवरा करें, जहाँ पर भाईचारगी हो। अल्लाह तो ये चाहता है, मोहम्मद अशाउन अशाउल्ला, तुम तो कुछ चाहते नहीं हो मगर वही जो अल्लाह चाहता है। तो ये लोग भी यही चाहते हैं कि आपस में मशवरा करके, वरना क्या ज़रूरत है रसूल अल्लाह को मशवरा करने की, वो अकल कुल है, वो हमसे मशवरा करेंगे। और किया इमाम रसूल अल्लाह ने मशवरा दिया तो ये तो फिर भी इमाम सलमान फारसी ने मशवरा दिया कि नहीं दिया। कुछ मशवरे तो बहुत बचपन से दीनियात की किताबों में मौजूद हैं, हम भी पढ़ते हैं, मतलब कम से कम इतना तो जानते हैं। सलमान फारसी का मशवरा कबूल किया नहीं किया? उधर हुदैबिया के अंदर उम्मे सलमा का मशवरा कबूल किया कि नहीं किया? और आखिर तारीफ भी की थी उम्मे सलमा, क्या तुमने मशवरा दिया मुझे, तारीफ की बहुत। तो हम देखते हैं कि बाहरी रवाबत, फिर दरमियान में और बहुत से मामलात हैं जहाँ पर मशवरा जो है वो किया जा रहा है कि क्या करें, जंग जो है मदीना में लड़ें या बाहर जाके लड़ें, कोई कह रहा नहीं बाहर आगे लड़ने के लिए। तो इस तरह के बहुत से मैटर हैं। तो ये मसले इमाम ने बली अली का जो जवाब दिया मामून को वो इस तरीके से दिया। फिर उसके बाद मजबूरन इमाम ने बली अली को कबूल किया। उसके बाद इमाम ने बली अली को कबूल करने के बाद जो जुमले अर्शाद फरमाए, कहा कि मैं ना किसी को हुकूमत पर मामूल करूंगा, ना मैं किसी को माजूल करूंगा, ना मैं हुकूमत के किसी मामले में कोई दखल अंदाजी करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो अब जो अहले इल्म हैं, जो निशानियों को समझते हैं, वो जानते हैं कि ऐसा वली अहद किसी काम का नहीं होता हुकूमत में कि जो हुकूमत के किसी काम में कोई दखल ही ना दे। इमाम से कहा महल में नहीं रहूँगा, बराबर में मस्जिद है, मस्जिद में मेरा बस बिस्तर लगा दो, मैं वहीं रहूँगा, जिसको मिलना है मुझसे वो वहीं पर आए, वहीं पर जाए, महल में भी नहीं रह रहे। तो एक शख्स एक ऐसा वली है कि जो ना महल में रह रहा है, ना हुकूमत से उसका कोई ताल्लुक है, ये किस किस्म का वली है? बहुत से लोगों ने इमाम पर टॉन्टिंग दी थी, इमाम को तनकीद का निशाना बनाया कि आपने वली अहदी ली, आप हुकूमत। अच्छा, दो तरह के लोग, एक ने कहा कि हुकूमत क्यों नहीं ली, मिल नहीं थी ले लेते, और एक ने कहा कि आप ने वली अहदी क्यों नहीं बनी, हुकूमत का हिस्सा बन गया। बहरहाल इमाम ने दोनों को जवाब दिया, दोनों को जवाब यूँ दिया कि देखो मैंने वली अहदी को ऐसा ही कबूल कर लिया है कि जैसे कि मेरे जज ने शूरा में शमूलियत अख्तियार कर ली थी, शूरा बनी थी ना उम्र ने जो बनाई थी, बस में आपका भी नाम है हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शूरा का, सर क्या ज़रूरत है शूरा का, लेकिन मजबूरन जिस तरह से उन्होंने मजबूरन इख्तियार किया था। और इसी तरह से इमाम ने भी कहा कि मैंने बिल्कुल उसी तरीके से वली अहदी कबूल की है। और उसके पीछे एक और जुमला आपने इरशाद फरमाया, उसमें कुछ अल्फाज का रद्द फेल हो सकता है लेकिन मफहूम ये है कि मेरे सामने दो ऑप्शन थे, ये दो जब मेरे पास रास्ते थे कि या तो मैं कत्ल हो जाऊं या वली अहदी इख्तियार कर लूं, तो मैंने वली अहदी के इख्तियार करने को कत्ल होने से मुकदम रखा। कत्ल होना आसान, वली अहदी इख्तियार करना मुश्किल, ठीक है। कत्ल होना बहुत सी जगहों पर आसान होता है, बाहर वो अक्सर आप मुझे बहुत अच्छा लगता है, नोएडा शेर भी है ना कि जिस जगह थी मौत आसान, जिंदगी दुश्वार थी, हाँ वहाँ जहरा के सारे जिंदा रहे, तो आप वहाँ जिंदा रहना कहीं मुश्किल होता है। इमाम ने वली अहदी का अख्तियार किया वो ज़्यादा मुश्किल था, हर हर रोज इमाम के सामने करगला होती, सोचे वहाँ मौजूद वो जालिम और जावेद बादशाह के सामने बाहर। तो उसके बाद इमाम ने महल के अंदर अपनी एक्टिविटी शुरू की, वो क्या थी उसकी तरफ हम थोड़ा सा इशारा करते हैं। इमाम की शख्सियत, जैसे मैंने कहा कि मामून मामून की ख्वाहिश तो पूरी हो गई कि इमाम महल में आ गए, इमाम की एक्टिविटीज मॉनिटर होने लगी, इमाम से कौन मिल रहा है कहाँ मिल रहा है वो इमाम की सारी एक्टिविटीज महदूद हो गई, ठीक है। इसमें तो मामून को कामयाबी हासिल हो गई, नो डाउट मदीना में जो काम हो रहा था वो अब यहाँ पर आसान में नहीं हो रहा। लेकिन इमाम ने अब इस सिचुएशन को भी तो सुन्नत का आया करना है, दीन का तो दिफा करना है, यहाँ पर इमाम ने लेके क्या किया? अच्छा, अब मामून इमाम को नीचा भी दिखाना चाहता है कि इनको इल्म भी नहीं है, इनका माजरा इनको जाहिर करना चाहता है कि इनको जो है वो इल्म नहीं है जिस तरह से शिया हज़रात जो है वो दावा किया करते हैं। तो इसने फिर वो मुख्तलिफ ममालिक से इधर उधर से कुछ मनाजरा करने वाले लोगों को, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मदऊ किया
उसमें ईसाई लोग भी हैं, उसमें यहूदी भी हैं, उसके अंदर एथिस्ट भी हैं जो किसी को नहीं मानते, ठीक है, और बहुत सारे मनाज़रे जो हैं यहाँ पर कंडक्ट करवाए। वजह क्या थी? इमाम को नीचा दिखाए, लेकिन ये चीज़ पलट कर उसके ऊपर आ गई कि हर जगह इमाम ही को फौकियत होती थी, वो कह के जाते थे कि ये असल हमदार तो ये है, मामून साइड में बैठा रह जाता था, इमाम जो है वो आयल कर दिया करते थे अगले बंदे को, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो यहूदी हो। चंद मनाजरे कुतुब में बहुत बारह आए हैं, इमरान साइबी वाला और वो ईसा जालूस का वाक़ा, वो सारा वो जो ईसा गिरो आया आपके पास और आपसे मनाजरा किया, ठीक है। तो बहुत सारे मनाजरे कुतुब में हैं, तकरीबन इसके अंदर कोई 10 से 15 मनाजरे तो इख्तिसार के साथ देखे हैं कि किन लोगों से कहाँ कहाँ हुए थे, ठीक है। तो बहरहाल इनकी तफसील में क्या, फिर मैं मुख्तसर कर दूँ कि इन मनाजरों की जो डिटेल्स हैं वो क्या हैं, किन टॉपिक्स में, मनाजरा किसी टॉपिक पर होता है ना, किसी बात पर डिबेट होती है। मनाजरा का मतलब होता है कि आमने सामने बैठ के हम अपने दलायल देंगे, तुम अपने दलायल दोगे। तो कभी अकायद के ऊपर, कभी तौहीद के ऊपर, कभी इमामत के ऊपर, कभी कुछ शिया अकायद के ऊपर, जैसे बदा है, ठीक है, खुदा का इरादा चेंज करना, मशीयत को चेंज करना, अच्छा मशीयत और इरादा फर्क है। बहरहाल ये बहुत लतीफ़ नुक्ते हैं, इसके ऊपर बहस होना चाहिए। अकायद के मौजू के अंदर कभी हुआ तो हम करेंगे, मशीयत क्या होती है, इरादा क्या होता है। करबला में जो हो रहा था वो मशीयत थी कि इरादा था? अरे आप लोग तो मशीयत थी या खुदा का इरादा था? इमाम हुसैन का शहीद हो जाना, राज पे दौड़े दौड़ जाना, अहले बैत का असीर हो जाना, ये खुदा की मशीयत थी कि इरादा था? हम मसला ये है कि हम लोग अरबी से जब उर्दू तर्जमा करते हैं ना, तो अपने हम तर्जुमे उर्दू में इतनी जामियत नहीं है, जुमले नहीं होते, अल्फाज का चुनाव बहुत मुश्किल से हो जाता है। बहुत सारे अल्फाज अरेबिक में अलग हैं, उर्दू में अलग हैं, इख्तलाफ जिसे हम कहते हैं, लास्ट सेशन में इतफाक हुआ, इख्तलाफ का मतलब हम समझते हैं लड़ना मरना, एक दूसरे से लड़ना, इख्तलाफ हो गया, जबकि अरेबिक में बहुत अच्छा माना है इख्तलाफ का। इख्तलाफ का मतलब है मिलना, मेरी उम्मत का इख्तलाफ रहमत है, मेरी उम्मत जब मिलती है तो वो रहमत होती है। नहन वहाँ नबूआ, हम अहले बैत हैं, वमादन रिसाला, हम मादन रिसाला हैं, मख्तलफ़ मलाइका, ये मख्तलफ वही है इख्तलाफ वाला, कि जहाँ पर मलाइका की आमद रफ्त की जगह है, जहाँ मलाइका मिलते हैं। हम उर्दू में इख्तलाफ करते हैं कि हमारे इनका इख्तलाफ हो गया है, मतलब कोई झगड़ा हो गया है। तो अरेबिक और उर्दू में बहुत से माना अलग अलग हुआ करते हैं, इस तरह की हम बहस करेंगे तो इस तरह की बहस है, अलग चली जाएगी बात। अरेबी जान से आप पीछे तो जाए उससे ज़्यादा कैसे बताएंगे। तो इमाम अलैहिस्सलाम के जो अल्फाज के भी हम जब तर्जुमा करते हैं ना, तो हम कहीं इधर उधर हो जाते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, मशीयत थी खुदा का, इरादा नहीं था। अगर खुदा का इरादा होता तो यजीद रज़ी अल्लाह होता, कि खुदा के इरादे पर अमल कर रहा है वो, खुदा के इरादे को पाए तकमील तक पहुँचा रहा, इरादा नहीं, मशीयत। उस वक्त वक्त का तकाजा है कि नहीं ये अमल हो मसलहतन, क्योंकि जब ये होगा तो फिर जब उस नन्हे से पौधे को खून मिलेगा तो फिर वो नशोनुमा करेगा। उस वक्त ज़रूरत थी, मशीयत थी, खुदा की मशीयत थी, खामोशी, इमाम की खामोशी मशीयत थी, इरादा नहीं। बहुत सारे लोग मैं बहस कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे लतीफ़ नुक्ते हैं। तो इमाम का फिर इसी तरह से बदा है, कुल्लन बता दूँ माशाल्लाह, मुझसे बहुत सीनियर लोग भी बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने क्या ईसाई करूँ, मगर बहरहाल खुदा का इरादा बदल जाना नहीं, मन मशीयतन मसलहतन एक हुक्म का माजूर होकर किसी दूसरे हुक्म का इतलाफ हो जाना टेम्परेरी तौर पर, इसको बदा कहते हैं। क्या कहते हैं? बे दाल अले। हमारे मुखालिफिन ने हम पर जो तुहमत लगाई है उसमें से एक ये वाली भी है कि खुदा को मादल्ला कहते हैं कि खुदा झूठ बोलता है, खुदा झूठा है, और उसकी रेफरेंस में जो अहादीस ली हैं वो उसूल काफ़ी से बाबुल बदा में से ली, बदा का जो तर्जुमा वहाँ पर किया वो झूठ किया है रेफरेंस कायम करने के लिए। तो हम वो देखते हैं कि ऐसा नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दे दूँ, फिर मैं आगे चला जाऊँ, क्योंकि इमाम ने कुछ मिसालें दी हैं
जैसे हम अक्सर जा रहे होते हैं रोड बंद होती है, डाइवर्जन होती है कि नहीं, आप इधर से मुतबादल रास्ता है, यहाँ से जाइए। मैं तो अपने सही रास्ते पे जा रहा होता हूँ और अमूमन जो मुझे रॉन्ग साइड मोड़ रहा होता है कि आप यहाँ से जाइए, ऐसा होता है नहीं होता? तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है, गवर्नमेंट ने कल तक तो कहा था कि ये रास्ता है जाने वाला, आज कह रही है कि नहीं ये नहीं है, ये वाला रास्ता जाने वाला है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपना इरादा चेंज किया। ठीक है, यहाँ मैं कहूँगा गवर्नमेंट ने बदा किया है। तो अब मुझे नहीं मालूम कि उसने क्यों किया है, मैं तो सिर्फ साइन बोर्ड देख रहा हूँ कि यहाँ जाओ। अब मैं यहाँ पर जो हूँ एतराज़ करना शुरू कर दूँ कि देखो कल तो ये कह रहे थे, आज ये कह रही है गवर्नमेंट, आज कल ये, इनको कुछ पता ही नहीं है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो खुदा ने भी अगर कभी किसी वक्त डाइवर्जन की है, तो अगर मुझे नहीं खुदा के इरादे का नहीं पता, खुदा की कि खुदा चाह क्या है, तो मैं यही चार्ज खुदा पर लगाऊंगा कि देखो खुदा ने झूठ बोल दिया है, कल तो ये कह रहा था आगे कह रहा है। लेकिन गवर्नमेंट हुकूमत जानती होगी उस वक्त की कि भाई चूंकि आगे रोड बन रही है, काम हो रहा है, तो तुम अभी नहीं जा सकते, अभी रुक जाओ, यहाँ जाना, और कल जब ये हो जाएगा तो फिर क्या पढ़ना होगा तुम्हें यहीं पर। ठीक है, तो बदा में भी यही हुआ करता है कि टेम्परेरी किसी हुक्म को रोक दिया जाता है और फिर कल को। ठीक है, जैसे इमाम ने गालिबन सूरह अंबिया की आयत का इस्तफादा किया कि जिसके अंदर है कि देखो तुम इनको याद दिला दे रहा, शायद ही वापस आ जाए। ये शायद मैं और आप कहें तो समझ में आता है, लेकिन अगर आलम लगाए शायद का इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें कुछ गड़बड़ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? खुदा अगर कहे कि देखो इनको याद दहानी कराते रहो, शायद ये, और अक्सर आयात इसी तरह के हैं, लअल्लकुम तत्तकून, शायद से तुम तकवा तैयार कर जाओ। ये शायद मैं और आप कहें तो अच्छा लगता है, लेकिन आलिमुल गैब वो कह रहे हैं शायद तुम तकवा तैयार कर दो, इससे क्या मतलब है? यहाँ पे इशारा हो रहा है बाजार का कि अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ये कर लो तो शायद। सही है, तो इस तरह के मामला ये बड़े लतीफ नुकते हैं इसमें कुरान की उलूम को समझने के लिए, खुद कुरान से ही मदद लें, इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। अच्छा, अब मामून मैं दोबारा पलटता हूँ अपने उसी मौजू की तरफ, फिर मनाजरों में टॉपिक जो थे वो बदा और तकैया और इस किस्म के, तकैया तो खैर अपने लोग उठाते थे कुछ जगहों के ऊपर, इमाम ने जिस हद तक भी जैसा भी हो सका जवाब दिया भारत, और कोशिश हद तक यही रही कि जो दीन के खदोखान हैं, जो बुनियाद हैं, वो मुस्तहकम हों। ठीक है, चाहे वो तौहीद का बाब हो, नबूवत का बाब हो, ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे और मसाइल। इसकी तफासीर के लिए, तफसीर के लिए जो बुक मैं रेफ़र करूँगा और जो मैंने ख़ुद भी रेफ़र दी की इस सेशन के लिए, वो है किताब उयून अखबार रज़ा, बहुत ही जाम शेख सदूक की तारीफ करदा किताब है कि उयून अखबार रज़ा। इसके अंदर तमाम लोग, क्योंकि ये तो एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना कुछ 40-50 पेजेस का, ये पूरी किताब है इस मौजू के ऊपर जिसमें इमाम और मामून और उन तमाम के तमाम जो मामलात हैं मैटर वो इसके अंदर बाखादा किए गए हैं। ठीक है, और उसमें बहुत सारे सवालात इमाम से क्या हुए, इमाम ने क्या जवाब दिया, तो उसका खुलासा जो है मैंने इस किताब से भी जो है वो इस्तेफादा किया, और मैं चाहूँगा कि जो पढ़ने के ख्वाहिशमंद लोग हैं वो ये किताब लें और इसको पढ़ें, इससे इस्तेफादा करें, बहुत सारे मसाइल यहाँ से हल होते हैं। जैसे इसके अंदर लिखा था कि एक मोहम्मद बिन जाफर की तहरीक को कुचल दिया, इमाम ने बहुत अच्छा एक स्ट्रेटजी अपनाई, वो स्ट्रेटजी मुझे मिली नहीं इस किताब में, वो स्ट्रेटजी मुझे इस किताब में मिली कि मदीना में हुआ क्या था। बहरहाल बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ, मुझे अभी ताकत नहीं है कि मैं वो बयान करूँ, लेकिन बहरहाल इमाम ने जो है किस स्ट्रेटजी से अपनी और अपने अहलो अयाल की हिफाजत की है, जान तो खैर बची ही बची है, इज्जत बचाई है, किस तरीके से वो इमाम ही कर सकते थे उस वक्त कि तीसरा जलूदी के शर से किस तरह महफूज रहे आप भारत। तो इस तरह के बहुत से वाक़ात और बहुत सारी चीज़ें इस किताब के अंदर जो हैं वो किसी हद तक मिल जाती हैं, क्योंकि मदीना के बहुत उलट मामला मुझे इस किताब में नज़र नहीं आए। ठीक है, उसके बाद हम अपनी बहस का आगाज आगे करते हैं, और वो ये कि इस बात में भी मामून जो है वो फेल हो गया कि इमाम को इल्म में नीचा दिखा सके, कि हर जगह इमाम की ही बरतरी हो चली जा रही है। ठीक है, और लोग इस बात पे उल्टा असर होने लगा कि वो चाहता था कि इमाम को डिग्रेड करे और आने वाले इमाम की शान में कसीदा पढ़ के वापस चला जाया करता था कि नहीं ये वाकई तन आलिम है, ये वाकई तन जानते हैं।
उसके बाद फिर हम देखते हैं कि चंद वाकयात जरा दरपेश आए। अब मामून अपना इरादा, मतलब कि किस तरीके से मामून क्यों राजी हो गया कि मैं अब शहीद कर दूँ फौरन इमाम को, एक तो ये वाकया हुआ मनाजम का। दूसरा एक वाकया अहम नमाज ईद का हुआ कि जब अब जब नमाज ईद उस ज़माने में या तो बादशाह पढ़ाता था या वली अहद पढ़ाता था, ठीक है, उसूलन। बल्कि उस ज़माने में क्या असूलन फैसला यही के बाद या तो इमाम पढ़ेंगे नमाज या इमाम का मुंतखब करदा कोई नुमाइंदा आपकी ईदैन पढ़ाया करेगा। इसीलिए आजकल जो हम ईदैन पढ़ते हैं वो इवन कुर्बत की नीयत से भी पढ़ नहीं सकते, उसमें भी हमने रजा की नीयत से, रजा मतलूबियत से हम वो पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि गैबत इमाम के अंदर जुमे से मामला और नीचे है थोड़ा सा, ठीक है। जुमा तो आप तो कहा कहते हैं इख्तियार है कि आप कुर्बत से पढ़ें वाजिब से पढ़ें, बारह लेक्चर की बहस शुरू हो गई है ये, लेकिन ये कि ईदैन की नमाज जो है वो हाकिम पढ़ाएगा, हाकिम जो खलीफा है जो वो है जैसे खुदा हो, जो आप कहते नसलत में बात कर रहा हूँ वो पढ़ाएंगे या उनकी तरफ से कोई भेजा हुआ शख्स, ये दोनों लोग अभी मौजूद नहीं। तो मामून की तबीयत इतनी सही नहीं थी कि जाकर वो नमाज पढ़ाता ईदगाह में जाकर, तो उसने इमाम से कहा कि आप पढ़ाइए। अब इमाम ने कहा कि मैं तो उसी तरह पढ़ूंगा जैसे मेरे जद पढ़ाया करते थे नमाज। तो अब यहाँ पर भी लोग भी लोगों को मालूम हुआ कि इमाम नमाज पढ़ाएंगे और दूर दूर से लोग आना शुरू हो गए। यहाँ पर बीच में एक स्किप एक छोटा सा वाकया स्किप हुआ है जो कि मुझे लोगों से याद आया कि जब आप इमाम तशरीफ ला रहे थे निशापुर दरियान में एक मकाम आया है कि वहाँ पर भी मालूम हो गया कि इमाम को गिरफ्तार करके लेके जाया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वहाँ जमा हो गई, वहाँ पर ऐसी कैफियत हो गई कि किसी वक्त भी एक जंग छिड़ सकती थी और ये लोग बेचारे शहीद हो जाते हैं, क्योंकि इतने ये जज्बात में तो आ गए थे सामने, लेकिन मुसल्ला और वैसे तो नहीं थे ना। तो इमाम ने अपने लश्कर से निकल कर अचानक उनके दरमियान चले गए, मतलब यहाँ से मामून के साथियों के साथ आ रहे हैं, उधर से लोग निशापुर में जमा होना शुरू हो गए। अब ऐसी कैफियत, अगर ये इन दोनों लश्करों का आमने सामने मुकाबला होता तो यकीनन इनकी जो है जंग और झगड़ा शुरू हो जाता। इमाम इससे पहले कि ये यहाँ पहुँचते हैं, इमाम खुद वहाँ उनके दरमियान पहुँच जाते हैं। तो अब वो देखते हैं कि कोई जंजीरें नहीं हैं, कुछ नहीं है, इमाम जो है वो आज़ाद हैं और ज़ाहिर लग रहा है कि अपनी मर्ज़ी से ही जा रहे हैं। तो लोग जो हैं वो तलवारें वगैरह बहाने निकली, बस लोगों ने फिर बल्कि कलम उठा लिए, कहा कि फर्जंद रसूल हमें हदीस सुनाइए हमें। अब वहाँ से मामून के लोग भी सुन रहे हैं, जासूस भी सुन रहे हैं कि क्या खुतबा दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो इमाम ने अपनी वही मशहूर और मरूफ हदीस जो हमने सुनी वो वहाँ पर इशारत फरमाई थी, कलिमतुल्ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी मन दाखिला हिस्नी अमन मिन अज़ाबी, के कलिमतुल्ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो मेरा एक मजबूत किला है। आपने पहले इस्तनाद बताई कि मैंने अपने बाबा से सुना, उन्होंने इनसे सुना और उन्होंने जो है वो जबराइल से रसूलल्लाह ने सुना, और जबराइल ने जो है वो खुदा से कहा कि खुदा ने लोहे महफूज के ऊपर सुनहरी हरूफ में लिख दिया कि ये कलिमतुल्ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसमें पूरी सरहद आपने बताई और ये इतनी मोतबर हदीस के इवन अहले सुन्नत को कहा भी कहते हैं कि हदीस को तो एक तरफ रखिए, ये सनद जो है ये ऐसी है कि अगर सिर्फ ये पढ़कर किसी दीवाने पे फूंक दो तो वो दाना हो जाए। इसकी सनद ऐसी है क्योंकि वाहिद हदीस ऐसी है कि जिसकी सनद में कोई गैर मासूम नहीं है, मासूम से ही मासूम होते 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 ये हदीस आप सामने बयान फरमा रहे हैं। अच्छा, अब रिवायात बहुत से तरीक़ों से आई हैं। आप जिस सवारी पे थे उसे पर्दा डाला हुआ था ना, आपने पर्दा उठाया और उसके बाद फिर यह हदीस आपने तिलावत फरमाई, फिर आपने पर्दा गिरा दिया। अब सवारी थोड़ी सी और आगे चली, आपने कहा नहीं रोको सवारी रोका, फिर पर्दा दोबारा उठाया, फिर पलट कर कहा बशर किया शरू किया वो आना मैं शरू किया। हदीस तो वहीं ख़त्म हो गई थी, कलिमतुल्ला इलाहा इल्लल्लाह मन दखला फ़ीहिस्नी अमन मिन अज़ाबी, यहाँ तक हदीस ख़त्म हो गई, उसके बाद हदीस का कोई टुकड़ा नहीं था, इसीलिए आपने पर्दा गिरा दिया था कि हदीस तो इतनी। मगर फिर उसने एक एडिशन किया कि लेकिन मैं इशारा किया, क्योंकि उस इशारे पर लोग भूल चुके थे कि बिल शर्त किया व शरू किया व अना मिन शरू किया, कि इसकी कुछ शरायत हैं। अच्छा, इस किताब में इस तरह से दिया है कि बशरू किया व अना मिन शरू किया, कि इसकी कुछ शरायत हैं और मैं उन शरायत में से हूँ, मैं उन शरायत में से हूँ, मतलब कबूल दिलायत आइम्मा।
इस कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह में दाखिल होने का की शर्त, अगर मैं हूँ तो तुम इस किले में दाखिल होगे वरना नहीं, यानी कि विलायत का कबूल करना। इमाम अलैहिस्सलाम ने इसका इजहार वहाँ पर किया। जब मामून ने पूछा कि वहाँ इमाम ने क्या किया, तो उन्होंने वो हदीसें सुना रहे थे, कहते सिर्फ हदीसें ही इमाम ने सुनाई हैं, कोई तकलीफ, क्योंकि कुछ क्लू नहीं मिल रहा कि अपनी हुकूमत के लिए कुछ कर रहे हैं। जहाँ मिलता वो उसी वक्त गिरफ्तार कर लेता, और इमाम को ज़रूरत भी नहीं थी वहाँ पर इस तरह का उसको कुछ कहने की। यही लोग फिर पलट कर यहाँ ईद की नमाज़ पढ़ने भी आ गए, इतनी बड़ी तादाद में इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने आ गए, तो पता है कि इमाम नमाज़ पढ़ाएंगे। इमाम जब घर से निकले तो नंगे पैर निकल रहे हैं और ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। लोग देखने भली है, ये कैसा बन गया, तो बिल्कुल फकीराना तर्ज अमल के ऊपर, क्योंकि रसूलल्लाह जिस तरह से ईदगाह जाया करते थे वो वैसे ईदगाह जा रहे हैं। अभी इमाम पहुँचने भी नहीं पाए थे और इमाम तकबीरात पढ़ रहे हैं, तकबीरात पढ़ रहे हैं तो लगता है दर दीवार से आवाज़ लग पाए और अल्लाहु अकबर की अज़ानें जो है वो सदाएँ आ रही हैं। तो मामून से लर्जा जारी हो गया। फजल बिन सहल ने उसी वक्त कहा कि देखो अगर अभी तुम घर में रह गए, अगर तुम अभी जरवा यहाँ रह गए महल में, समझो हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो ये फौरन उसी बीमारी के आलम में बुखार में पहुँच गया, कहनी फजल रसूल आपकी जान को खतरा है, आप वापस तशरीफ ले जाइए। तो इमाम फिर वापस बोलिए बहरा इमाम नमाना। ये वाक़ा एक ऐसा हुआ कि इस पर बहुत असर हुआ। और तीसरा वाक़ा तेजर पे हुए चले जा रहे हैं, और तीसरा वाक़ा जिसने कहते ना कि लाइक वो दैट वाज़ द लास्ट नेम इन द कॉफिन, वो आखिरी ताबूत में चीज थी, वो बारिश का वाक़ा, कहर पड़ गया, बारिश नहीं हो रही, लोग आए कि बारिश नहीं हो रही है, कहर पड़ा हुआ है। इमाम ने कहा ठीक है, तीन दिन रोज़ा रखो और फिर फलाना मैदान में जमा हो जाओ। तीन दिन के रोज़े के बाद जब उस मैदान में जा, कोई दूर दूर तक आसरा नहीं था, और मामून ने ही ये फिगर किया था कि उनसे कहो दुआ करें, उसको भी जानता था कि कोई रकम इनकार नहीं है बारिश का। इमाम जो हैं वो मैदान में आते हैं, दुआ का सिलसिला शुरू होता है, तमाम लोग मिलकर दुआ करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोगों के ईमान भी जाँच लिए गए, उन्होंने कहा यार कुछ भी नहीं होना, वापस चलो, कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। मगर बहरहाल उसके बाद से जो है वो बादल आया, उसके बाद बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ इससे बहुत असर, गहरा असर हुआ, और इमाम की शख्सियत और उभर कर सामने आ गई। सवाल ये है कि इमाम अगर विलायत तकनी नहीं, यही नहर में बैठे बैठे इरादा करते बारिश नहीं हो सकती थी, कोई मसला था, ऐसा नहीं हो सकती थी, नहीं हो सकती। तो क्यों इमाम ने कहा नहीं पहले रोज़ा रखो फिर वहाँ पर आओ? इमाम जो है सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, इमाम जो है वो मुआशरा शादी कर रहा है, इमाम किरदार शादी कर रहा है। इमाम ने क्योंकि तीन दिन तक रोज़ा रखा हुआ, क्यों मूसा रज़ा ने कहा है कि रोज़ा रखो और फिर वहाँ पहुँचेंगे, उन्होंने कहा है अपना कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, फिर वहाँ पहुँच रहे हैं, फिर दुआ कर रहे हैं, खुदा की तरफ पलटा रहे लोगों को कि देखो इस तरह से दुआ का सलीका बता रहे हैं कि इस तरीके से दुआ करो, इस तरीके से रास्ता कायम करो, ठीक है। और फिर उसके बाद बारिश का होना, तो जो लोग हैं वो खुद भी इनकरेज हो ना कि उन्होंने कुछ किया है, कि देखो हमने इतना अमल किया और खुदा ने हमें रिवॉर्ड दिया। इमाम का काम यही, इमाम ने वो काम वहाँ अंजाम दे दिया, और इसका इतना असर हुआ कि अब उसने इरादा कर लिया कि नहीं अब हम जो हैं वो इमाम को जहर ही जो है वो लेकर और शहीद कर देंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसने जो है वो इरादा कर लिया कि इमाम को जो है वो जहर दे देगा और शहीद कर देगा, और फिर आखिरकार उसने इस काम को अंजाम दिया। एक और मसला है इमाम को जो दरपेश उस वक्त हुआ, उन्हीं दरबार में हुआ, और वो ये कि अब्बासियों ने कुछ प्रोपोगंडा अलवियों के ख़िलाफ़ किया कि अलवी हजरात जो हैं वो ये कहते हैं कि हम जितनी भी लोग हैं अदर दैन अहले बैत वो ग़ुलाम हैं इमाम के, और हम उनके जो हैं वो स्लेव हैं, जैसे कहते हैं ग़ुलाम, हम आज़ाद नहीं हैं, हम बस उनके ग़ुलाम हैं। तो इमाम तक ये वाली बात पहुँची और इमाम ने इसका जो है वो खुलकर इमाम ने जो है कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, ना हम समझते हैं ना कोई इससे पहले हमारे जो अजदाद थे उनका कोई ऐसा नज़रिया था, ऐसा नहीं है, लोग आज़ाद हैं। अतात शरीयत के किसी हुक्म में अतात करना और ग़ुलामी वाला मामले में फ़र्क है, इमाम ने वादे किया अतात में, विलायत में
और गुलामी में फर्क है। आप मेरी बात समझ रहे? विलायत, विलायत तशरीह का मानना, यानी कि जो उमूर मेरे मेरे उमूर हैं वो एम आई गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट, अपने आप को मुसलसल चेक करना कि मैं सही जा रहा हूँ, मैं कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो गया, मैं कहीं अपने अपने मकसद से हिल तो नहीं गया हूँ। ये चीज़ चेक करते रहना। ये कैसे चेक करोगे? विलायत के थ्रू, विलायत से कहते हैं वोदा अल मीदान, और मीदान कायम किया जाएगा। सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, मतलब क्या होगा मीदान के? अमान तुलेंगे, अमान कैसे तुलेंगे? मतलब फरिश्ता कोई तराजू लेके बैठा हुआ होगा, आपके अमाल वहाँ डालेगा, यहाँ पर चलो मैं मान लेता हूँ तराजू होगा, तो एक तरफ तो आपके अमाल होंगे, दूसरी तरफ क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा ना कोई। अगर आप एक किलो दही लेने जाते हैं तो वो दूसरी तरफ एक किलो का बाट रखता है, जो स्टैंडर्ड होता है कि ये एक किलो है, और उसको देखकर तुम अपने उस लेफ्ट वाले पार्ट को सही कर रहे होते हो। बस यही स्केल समझाने के लिए अगर खुदा ने मीज़ान का वर्ड यूज़ किया है, तो यही समझ लो कि मीज़ान यानी कि कोई रेफरेंस भी होगा, वो रेफरेंस स्टैंडर्ड होगा। मेरा अमल सामने आया आएगा और उसका अमल सामने आएगा, और उसको कंपेयर करेंगे कि कितना डिफरेंस है। यही काम तो स्केल किया करता है। अब मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो एक आपका अमल होगा, एक सुन्नत रसूल होगी, उससे मैच करेंगे कि कितना डिफरेंस आया है, क्वालिटी में कितना फ़र्क है, क्वांटिटी में भी फ़र्क है कि नहीं है। क्वांटिटी कम देखी जाएगी, क्वालिटी ज़्यादा देखी जाएगी, क्योंकि जो तुल रहा है वो क्वालिटी को देख के तुल रहा है, क्वांटिटी को देख के नहीं तुल रहा। कुछ बाहर नहीं रखा वहाँ पे, वहाँ कुछ मया है, ठीक है। इसीलिए जो है वो खुलूस की ज़्यादा अहमियत है। तो ये जो वज़ा अल मीज़ान होगा, ये क्या होगा? तो ये मीज़ान कायम किया जाए, हम अपने अमल को बार बार इमाम से चेक करेंगे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, मीज़ान में कहीं मसला तो नहीं हो जाएगा, मुझे जहन में वही बातें रहेंगी। तो ये एक अलग मामला है। और गुलाम, गुलाम का मतलब होता है कि कुछ नहीं कर सकता, बस अब मैं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं मजबूर हूँ बिल्कुल आपके हाथों। ये गुलाम हुआ करता था। और बनो अब्बास का प्रोपेगेंडा अलियों के लिए, और ये इतना रासिख हो गया कि शाफई, इमाम शाफई को कौन नहीं जानता, ज़्यादातर लोग जानते हैं, वो यमन से में आए, एक साल वहाँ मुकीम रहे, वहाँ पर जनाब उन पर चार्ज लग गया कि भाई ये जो है ना अलवी, एक अलवी के घर ही ठहरे थे बेसिकली, इनकी मकबरी हो गई। तो मामून ने बुलवा लिया इन्हें, कहा कि आप जो है वो ऐसा कोई इल्ज़ाम कर रहे हैं कि अलवी जो है वो हाकिम हो जाए। तो वहाँ पर ये बात इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि शाफ़ई ने दरबार में कहा, अब ये तकय्यतन कहा या वाक़ईतन कहा, क्योंकि मौर्रिस दिल के हाल को नहीं जान रहा, वो तो जो हो रहा है वो उसको लिख रहा है। शाफ़ई ने कहा भाई अलवी कहते हैं कि अलवियों के अलावा जितने लोग हैं वो इमाम के ग़ुलाम हैं, तो मैं ऐसे शख्स को हाकिम बनाऊँगा फिर जो कल मुझे ग़ुलाम बना लें। मामून बड़ा खुश हुआ, उसके बाद छोड़ दिया शाफ़ई को। मगर ना खैर, शाफ़ई की अपनी हैसियत जो थी वो इमाम से, मतलब कि वो जनाब अली की शान में जो फ़ज़ाइल और उनके मर्तबे का कायल था, वो नो डाउट पूरे पूरे रिसाले लिखे उसने, उसने कसीदे लिखे हैं, ममात शाफ़ई वलैसा अलीम रब्बुहु अम रब्बुहु बारह। फिर हम आगे थोड़ा सा और लेके जाते हैं कि इमाम को जो है उसने दह दिया, शहीद किया, और उसके बाद उसने जो है वो तीन दिन तक गिरिया करता रहा कब्र पे इमाम की, कि इमाम बहुत दुख हुआ ये, ताकि नज़र आए कि इतने ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन महाराज हम ये देखेंगे पूरे मामले में, इमाम ने जिस तरीके से अपने हक का दिफा किया, जिस तरीके से शरीयत मोहम्मदी की मुहाफ़िज़त का काम अंजाम दिया, उस वक्त की बेहतरीन स्ट्रेटजी इमाम ने अपनाई। और इमाम की वलीदी इमामत के माने की वजाहत के सिलसिले में हम देखते हैं कि और आपके जो मनाजरात हैं वो नुकात हैं जिनके जरिए से इमाम ने अलियों का हक होने का मसला बहुत नुमाया कर दिया, ठीक है, उजागर कर दिया, जितनी नजीर हमें इससे पहले नहीं मिली। इमाम ने भरपूर कैश किया उस सूरत हाल से। तो बहरहाल दुआ यह है कि हमें
वक्त के इमाम की जो है मार्फत अता हो, जिस तरीके से हमें इमाम रज़ा अलैहि सलाम की ज़िंदगी के कुछ कई गोशों का हमने अता किया, उसी तरह से हम चाहेंगे कि इमाम ज़माना अलैहि सलाम की ज़िंदगी से, इमाम ज़माना अलैहि सलाम की उन अफकार से, उन नज़रियात से अपनी ज़िंदगी को जोड़ लेंगे कि जो कि जिसके सबब एक ऐसी इंसानी हुकूमत तश्कील पाएगी कि जो कि अब्दुल पाक पर मौजूद होगी और जिसमें दौर का खात्मा होगा। वाई सलाम की इमाम ज़माना से हम इख्तिताम करते हैं इस मैसेज का। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على وليك الحجة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وإنك حافظ قائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه أرضك ثورة وتمكن فيها تمدار ومحمد बस बहुत हो चुका, अजान भी हो रही है, जनाब कर सकते हैं, मैं अजान के 5 मिनट बाद तक रहूँगा, आप मुझसे वो करार कर सकते हैं।